नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट पे ताल्लुक में। मैं रवि तिवारी आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक वर्ष के करंट अफेयर्स को तैयार करेंगे। कोशिश ये होगी कि आपकी आने वाली समस्त परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बाहर ना हो, इस सेशन को इस हिसाब से बनाया गया है। बहुत ही सटीक और शानदार सेशन है। आप लोग पूरे सेशन को बढ़िया से एंजॉय करिए, गंभीरता पूर्वक इसको सुनिए और कुछ पेपर और पेन अपने पास रख लीजिए ताकि कुछ जो पॉइंट्स आपको नोट्स करने हो उनको आप नोट्स करते चले। कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जो भी लोग केवीएस पीआरटी के पेपर में शामिल हो रहे हैं, आप सभी लोगों का पेपर में भला रहे, महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आने वाले समय में आप में से जो भी सदस्य और परीक्षाएं दे रहे हैं, कल्याण करें, भगवान शिव कल्याण करें आप सबका। आप सब बहुत अच्छा करें, मेरी यही जो है प्रार्थना है ईश्वर से और अनंत शुभकामनाएं है आप सभी को। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, अभी आप केवीएस की परीक्षा दे रहे हैं, आने वाले समय में आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं देनी है। करंट अफेयर्स जो होता है वो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है क्योंकि इसको हम अलग नहीं कर सकते किसी भी चीज से, है ना। तो सभी लोगों के लिए सत्र समान रूप से उपयोगी है और केवीएस पीआरटी के सभी भाई बहनों को मैं आशान्वित करता हूं, इस सत्र को अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया और इससे पहले जो मैंने लास्ट रटलो कराया था आपको, एक रटलो, उसको भी आपने अच्छे से देख लिया तो विश्वास मानिएगा आपके प्रश्न बाहर नहीं होंगे। मैं रटलो का जो लिंक है वो भी इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा उसको भी जरूर एक बार देखिएगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी के जिन लोगों ने पेपर दिए हैं उस सत्र से काफी प्रश्न आप लोगों को मिले हैं, काफी प्रश्न आप लोगों को मिले हैं। तो एक महत्वपूर्ण सत्र वो भी था, वहां से 4-5 प्रश्न मिले हैं, तो उसको भी आप जरूर तैयार करिएगा क्योंकि वहां से प्रश्न मिलेंगे जिसमें मैंने नवंबर और दिसंबर तैयार कराया है। आइए ज्यादा बातचीत ना करते हुए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं। 2 से 2.5 घंटे का एक महत्वपूर्ण सत्र है, लगभग 90 प्रश्नों के आसपास मैंने प्रश्न लिए हैं, 92-93 प्रश्न हैं जो मुझे उपयोगी लगे पूरे वर्ष भर में, लेकिन एक वादा रहा कि पूरे वर्ष को अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है बहुत बढ़िया से इसको तैयार करिए। आइए मैं कुछ जानकारियां देता हूं जब तक सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आने वाले समय में संस्था में 3 बैच हम लोग लेके आ रहे हैं, जब तक सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं मैं एक छोटी सी शुरुआत यहाँ से करता हूँ, ठीक है। 27 फरवरी से तीनों बैच बिल्कुल नवीन है और ये तीनों बैच लाइव है। यूपी टेट का नया बैच, आप में से बहुत सारे सदस्य क्वेरी कर रहे थे यूपी टेट के लिए, यूपी टेट का नया बैच है। टीजीटी पीजीटी का बिल्कुल नया बैच है, ठीक है, और कृषि प्राविधिक सहायक का बिल्कुल नया बैच है। ये तीनों ही बैच आपके 27 फरवरी से इन बैचेज में कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, क्लियर है। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है, हम जानकारी आपको प्रवेश प्रक्रिया की देंगे और डेमो कक्षाएं भी देंगे, क्लियर है। तो ये यूपी टेट का नया बैच, टीजीटी पीजीटी का नया बैच और कृषि प्राविधिक अधिकारी, ये यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है, कृषि प्राविधिक सहायक का नया बैच, ठीक है। ये हमारे रनिंग बैचेज है, इन रनिंग बैचेज में भी आप प्रवेश ले सकते हैं, जिसमें से आर ओ ए आर ओ और बीओ का बैच, ये दोनों प्री कम मेंस के बैच, प्री प्लस मेंस के बैच, ठीक है। और पीसीएस का बैच प्रीलिम्स स्पेशल बैच है, पीसीएस प्री की परीक्षा होने वाली है, बहुत जल्दी इसका जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और बाकी ये समस्त रनिंग बैच है जो चल रहा है, आपको किसी भी आने वाले बैच में या रनिंग बैच में प्रवेश लेना है तो ये हमारे काउंसलर सदस्यों के नंबर है, इन सदस्यों के नंबर पर फोन करके आप प्रातःकाल से सायंकाल तक इन बैचेज में प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। हम अनुशासन पूर्ण तरीके से पढ़ाते हैं और हमारे इसमें एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। आइए हम लोग अपने महत्वपूर्ण सत्र को शुरू करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सम्राट प्रोग्राम, देखिए जहां पे कम व्याख्या की जरूरत है वहां पे मैं कम व्याख्या करूंगा, जहां पे ज्यादा व्याख्या की जरूरत है ज्यादा करूंगा। जहां पर मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है मैं आपको कह दूंगा कि नोट कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जनवरी से शुरू कर रहा हूं, कंप्लीट जनवरी, जनवरी 2023 को सबसे पहले कवर करेंगे हम लोग, है ना। तो ये पहले जो 10-15 क्वेश्चन है वो जनवरी 2023 को कवर कर रहे हैं क्योंकि जनवरी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो जनवरी से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया है, ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम है आयुर्वेद शोध के लिए और आयुर्वेद रिसर्च के लिए, जिससे कि मानव कल्याण किया जा सके और शोध और रिसर्च को एक नई दिशा मिल सके, आयुर्वेद को एक नई दिशा मिल सके और आयुर्वेद मानव सेवा में बहुत आगे बढ़ सके। तो आयुष मंत्रालय की ये पहल है, क्लियर है। तो आयुष मंत्रालय को आपको याद रखना है, और किससे जुड़ा है, आयुर्वेद रिसर्च से जुड़ा है, आयुर्वेद के शोध से जुड़ा है। इसका फुल फॉर्म भी क्या है मैं आपको बता दूं यहाँ पर,
आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट का, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, ये इसका फुल फॉर्म है, इसको जरूर याद रखिएगा। बस बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही रखिए क्लियर कि आयुष मंत्रालय का कार्यक्रम है और आयुर्वेद रिसर्च से जुड़ा हुआ है। आइए, हाल ही में चर्चा में रही कलसा बंडूरी परियोजना किन राज्यों में विवाद का कारण है? अगर आपको मैप से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ पे मैं बता दूं, ठीक है। एक नदी है कर्नाटक में बहती है, जिस नदी को हम लोग क्या कहते हैं कर्नाटक में, महादई। महादई इससे दो श्रृंखलाएं निकलती हैं, एक को हम लोग कहते हैं कलसा और एक को हम लोग कहते हैं बंडूरी। बंडूरी, ठीक है, इनका पानी मोड़ना है, इनका पानी यहां से मोड़ के इसको ले जाना है मालप्रभा नदी। मालप्रभा, ठीक है, मालप्रभा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। इससे क्या फायदा होगा, कर्नाटक के 13 जिला जो सूखा ग्रस्त है उन 13 जिलों को फायदा होगा। यही जो महादई है इसे गोवा में मांडवी कहा जाता है, गोवा में इसी नदी को क्या कहा जाता है, मांडवी नदी कहा जाता है। तो ये कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के लिए विवाद का विषय है, तीनों के लिए विवाद का विषय है, करेक्ट। हाँ, एक और बात समझ लीजिए, यह योजना जो है वो 1989 में आई थी, लेकिन तीनों लोगों के लिए विवाद का विषय है, तो 2010 में इसके लिए महादई ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि इसके विवाद का जो है निपटारा हो सके, अभी तक नहीं हुआ है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि कर्नाटक ने इस कलसा और बंडूरी इन दोनों ही धाराओं पर डैम बनाने को मंजूरी दे दी, जिससे कि ये विवाद और गहरा गया है। तो ये तीनों के बीच विवाद का विषय है, इसीलिए चर्चा में रहा, तो सभी के लिए विवाद का विषय ही आपको याद रखना है, क्लियर है। हाँ, तो ऑल है ऑप्शन में, सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट है। जनवरी 2023 में जल पर राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां हुआ? चूंकि पहला है इसलिए आपके लिए जरूरी है, तो ये हुआ आपका भोपाल में, भोपाल में, ठीक है। हाँ, और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम है वाटर विजन 2047, वाटर विजन 2047, वाटर विजन 2047 थीम है, और ये चार चीजों पर आधारित है, जल की गुणवत्ता, जल की पहुंच, जल का पुनर्चक्रण, है ना, और जल सुरक्षा, सभी को जल सुरक्षा हो, सभी तक जल की पहुंच हो, गुणवत्तापूर्ण जल सबको मिले, और जो खराब जल है, जो गंदा जल है, उसका भी पुनर्चक्रण करके उसको उपयोग में लाया जा सके। तो ये चार चीजों पर डिपेंडेंट है आपकी, भोपाल में सम्मेलन आपका आयोजित हुआ, ठीक है। जल जीवन मिशन हम लोग जानते हैं, जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हमारा ये लक्ष्य है कि हम घर घर तक जल पहुंचाएं, ठीक है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन, याद है ना, जल जीवन मिशन, और इसके तहत 2024 तक का हमने लक्ष्य लिया है, सरकार ने लक्ष्य लिया है किस चीज के लिए, हर घर जल के लिए। ये सब आपको क्लियर होगा, तो ये कहां पे हुआ, भोपाल में हुआ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया, भोपाल मध्य प्रदेश में वाटर विजन 2047, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। आइए, अनावश्यक चीजें आपको नहीं पढ़वाना चाहता, जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़िए। जनवरी 2023 में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? पर्पल फेस्ट, तो पहले तो आप ये समझाइए कि पर्पल फेस्ट है किससे संबंधित, है ना, पर्पल फेस्ट है संबंधित दिव्यांगजनों से, दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, और इसका आयोजन कहां किया गया पर्पल फेस्ट का, गोवा में। पर्पल जो रंग है वो दिव्यांगता का रंग है, दिव्यांगता की शक्ति को पर्पल रंग से प्रदर्शित किया जाता है, इसीलिए इसे पर्पल फेस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो दिव्यांगता की शक्ति को प्रदर्शित करना हो, दिव्यांगता के बारे में कुछ भी प्रदर्शित करना हो, तो पर्पल रंग का प्रयोग करते हैं। कभी आपसे एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दिव्यांगता का रंग कौन सा है, दिव्यांगता की शक्ति को किस रंग से प्रदर्शित करते हैं, पर्पल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। गोवा में इसका आयोजन हुआ, ठीक, गोवा इसका सही है, और इसका उद्देश्य क्या है बताओ, दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करना, करेक्ट है, कोई दिक्कत। चलिए आइए, बहुत सारे उत्सव महोत्सव हैं, पर जो समावेश महोत्सव है, संगाई महोत्सव मणिपुर में होता है, हम सब लोगों को पता है, एक बार देख लीजिए अच्छे से, जो महोत्सव में होता है। सरस अजीब का प्रगति मैदान नई दिल्ली मेला है, बंगला महोत्सव
मेघालय में गारो समुदाय का लोकप्रिय त्योहार है और इन त्योहारों में से एक आपको पूछा जाएगा, तो अच्छे से इनको देख लीजिए। पर्पल फेस्ट या समावेशन महोत्सव इसके बाद ये है, करेक्ट। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो और भी कुछ प्रमुख महोत्सव आप लोगों को दिए गए हैं। यहाँ पर साजिबू चीरोवा त्योहार मणिपुर में है, सांगेकेन महोत्सव जल उत्सव है ये भी मणिपुर का है, काला चावल नामक महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है, गुड़ महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी में, करेक्ट। इसके बाद केला महोत्सव कुशीनगर में, तो ये तीन महोत्सव है, काला चावल, गुड़ और केला। हार्डमिल फेस्टिवल कई बार पूछा जा चुका है, नागालैंड का है। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर, यहाँ पर एक चीज मैं करेक्ट करूंगा, पुष्कर महोत्सव जब पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर मेला जो कि पशु मेला है, यह जो है राजस्थान में लगता है, यहाँ पर करेक्ट करिए, दो अलग अलग चीजें हैं। ये पुष्कर महोत्सव है ना, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में, और अगर आपसे पूछा जाए पुष्कर मेला तो पुष्कर मेला कहाँ पर, राजस्थान में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर है, मेघालय में, करेक्ट है। आइए पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुए, पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया बताइए। देखिए इसका शुभंकर था बेटा, शुभंकर इसके थे मोगली और आशा। आशा एक चीता है, ठीक है। वाटर स्पोर्ट और तलवारबाजी दो नए खेल जो पहली बार शामिल किए गए। तलवारबाजी को फेसिंग भी कहते हैं, कहीं कहीं फेसिंग भी लिखा होगा तो इसको भूल मत जाइएगा, ये दो नए खेल हैं। इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में, लेकिन इस आयोजन की जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग को कराया गया दिल्ली में, मतलब पूरे खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन जो इन खेलों की साइकिलिंग थी उन साइकिलिंग को कहां पर संपन्न कराया गया, तो साइकिलिंग को संकल्प कराया गया दिल्ली में, करेक्ट है। हाँ ठीक है, ये आशा क्या है, चीता है, फीमेल, हाँ मादा चीता है, करेक्ट। हाँ साइकिलिंग इसकी दिल्ली कराई, मोगली को तो जानते ही होंगे, मोगली देख के ही बड़े हुए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हाल ही में बीसीसीआई की सीनियर पुरुष सिलेक्शन पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया था, लेकिन आज ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जनवरी की बात है। जी न्यूज ने, आपने देखा होगा कि जी न्यूज के एक स्टिंग ऑपरेशन में ज्यादा समझदार बनते हुए फंस गए और आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, करेक्ट। तो आज ये आप करेक्ट कर लिया, चेतन शर्मा आज इस्तीफा भी इन्होंने दे दिया दोपहर में, जनवरी हम लोग कवर कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में जारी विभिन्न रिपोर्ट्स एवं सूचकांकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है बताइए। हेल्ले पासपोर्ट सूचकांक, भारत का स्थान इसमें से पूछा गया है, और आपको यह भी बताना है कि पहला स्थान किसका है। यहाँ पे पहला स्थान है जापान का, यहाँ पे पहला स्थान है बेटा अमेरिका का, और यहाँ पे पहला स्थान है स्विट्जरलैंड का, करेक्ट। ये आपका चौथा गलत है, ये इसका स्थान 101वां नहीं है। तो अब आप बताइए कि इसका स्थान कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 68वां स्थान है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, भारत का 68वां स्थान है, और पहले स्थान पर बेटा यहाँ पे है फिनलैंड, पहले स्थान पर भैया यहाँ पे है फिनलैंड, करेक्ट। फिनलैंड का स्थान पहला है, फर्स्ट है। और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 68वां हो गया, और भी कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। आगे बढ़े, जैसे अब देखो हेल्ले पासपोर्ट सूचकांक में शीर्ष देश अभी हम लोगों ने क्लियर किया कौन है बताओ, जापान है। भारत का स्थान 87वां है। आराम से देखिए, पांच ही साथ हैं जो याद रखने हैं, जिनमें से एक मिलना पक्का है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस सूचकांक, भारत का स्थान 8वां है, पहले स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, भारत का स्थान 43वां है, पहले स्थान पर अमेरिका है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, भारत का स्थान 40वां है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड। इतना याद है, अच्छे से देख लीजिए, बस चार और बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक, भारत का स्थान 68वां है, पहले स्थान पर फिनलैंड है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, 101वां है भारत का स्थान,
स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। करेक्ट। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है, 135वां भारत का स्थान है। आइसलैंड यहाँ पर पहले स्थान पर है और लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में 93वां भारत का स्थान है और स्वीडन यहाँ पर पहले स्थान पर है। अच्छे से देख लिया, स्वीडन यहाँ पर पहले स्थान पर है। ठीक है, हाँ क्लियर, हाँ ठीक है। यहां पर देखिए जो ये क्लाइमेट चेंज वाला है उसमें पहले तीन स्थानों पर कोई नहीं है, तो यहाँ पर जो पहला स्थान है इसका मतलब वो चौथा स्थान है, क्योंकि पहले तीन स्थानों में कोई भी जैसे उसको पूरा नहीं करता तो उसका चौथा स्थान है। करेक्ट, हाँ। तो सबसे ऊपर स्थान किसका है? डेनमार्क का है। ठीक, आगे बढ़े, आइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है, डेनमार्क पहला है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 119वां है, स्विट्जरलैंड पहला है। मानव विकास सूचकांक 132वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड पहला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है, नॉर्वे पहला है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85वां है, न्यूजीलैंड पहला है। ठीक, आइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से उत्तर करें। सबको पता होगा, कुछ लोग डी कह रहे हैं, ऐसा गजब मत करिए, 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ ठीक है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? 2006 से मनाया जा रहा है, पारंपरिक गैस से कृत्रिम मेधा की ओर। इसकी थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञात से कृत्रिम मेधा की ओर, ये इस वर्ष की थीम है। ठीक है, 2006 से मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, 10 जनवरी को ये मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो विश्व है, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है, उस क्वेश्चन को आप याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी सचिवालय भवन कहाँ पे है, विश्व हिंदी सचिवालय भवन, तो विश्व हिंदी सचिवालय भवन जो है बेटा वो मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय भवन जो है वो कहां पे है बताओ? मॉरिशस में है, याद रहेगा, मॉरिशस में। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आठवां करेक्ट हो गया है। किताब रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम के लेखक कौन है बताइए? इस किताब के लेखक कौन है? ये भी जनवरी में ही आई है, बताए। इस किताब के लेखक है संजीव सान्याल जी, संजीव सान्याल। ठीक है, भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान तो दे दी, उन्होंने बहुत योगदान दिया, लेकिन उनको इतिहास ने जगह नहीं दी, उनको इतिहास ने जगह नहीं दी, बल्कि इतिहास ने कम ही लोगों को जगह दी। तो ऐसे हीरोज के बारे में कहानी है इस किताब में, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया फ्रीडम के लिए, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं मिली, उनको यथा सम्मान नहीं मिला। ऐसे हीरोज का यहां पर जो है उल्लेख किया है संजीव सान्याल ने, कौन सी किताब में बताइए अपनी? जो आपका है रेवोल्यूशन द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, संजीव सान्याल आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2023 को काशी से डिब्रूगढ़ के लिए क्रूज शिप को ऐतिहासिक यात्रा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज शिप का नाम क्या है बताओ जल्दी से? इस क्रूज शिप का नाम क्या है बताओ बेटा? हाँ, इस क्रूज शिप का नाम है एमवी गंगा विलास। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाना। ठीक है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को जन जन तक पहुंचाना। और ये कहां पे? काशी से लेके डिब्रूगढ़ तक है। टोटल इसकी जो यात्रा है वो 3200 किलोमीटर की यात्रा है। हाँ, काशी में एक और आयोजन एक महीने के लिए किया गया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है? काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम ये आयोजन, ये जो आयोजन किया जा रहा है ये भी कहां पे किया जा रहा है? वाराणसी में ही किया जा रहा है, इसको भी आपको याद रखना, काशी तमिल संगम। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ? सबको आना चाहिए, खादी को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रयास है, कहां पर हुआ बताइए? 12 राज्यों की 90 इकाइयों ने इसमें भागीदार हुआ।
जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या है, कहाँ पे हुआ। अगर हम लोग देखें 2014-15 से लेकर 2021-22 तक अगर हम 7 साल का टेन्योर देखें तो 191% वृद्धि हुई है उत्पादन में और 332% की वृद्धि हुई है बिक्री में। मतलब बहुत अच्छा जा रहा है खासी। और जन जन तक पहुंचाने की एक मुहिम है, जन जन तक एक पहुंचाने की मुहिम है। तो जनवरी 2023 में राष्ट्रीय खाद्य महोत्सव का आयोजन कहां हुआ, तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, इसमें जो लोग दिल्ली उत्तर कर रहे हैं बेटा वो गलत है, इसका आयोजन भोपाल में हुआ, भोपाल में हुआ। तो ये देखिए बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करिए, इसका आयोजन भोपाल में होगा, ए ऑप्शन सही रखिए, ठीक है। हाँ भोपाल, इन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। माघी मेला किस सिख तीर्थ पर आयोजित किया जाता है, ये श्री मुक्तसर साहिब पर आयोजित किया जाता है और ये कहां पे है बताइए, ये पंजाब में है माघी तीर्थ। इसको माघ मेला से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये लोहड़ी के अगले दिन होता है ना, लोहड़ी के अगले दिन होता है, 40 सिख योद्धाओं की याद में होता है। इसको हम 40 सिख योद्धाओं का त्योहार भी कहते हैं, 40 सिख योद्धाओं का त्योहार, योद्धाओं का त्योहार भी कहते हैं, करेक्ट। हाँ ठीक है, आंसर देने का मौका दें, आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, ये सिख धर्म के गुरु आपसे पूछ लिए जाते हैं, इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और पहले गुरु नानक देव जी थे, ठीक है। अब आप लोग उत्तर दीजिए, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माय डेज विद इंडियन क्रिकेट टीम, कॉमन सेंस भी होगा तब भी उत्तर दे लेंगे, बताइए। दोनों लोग है ना, आर कौशिक जो है वो पत्रकार है और एस श्रीधर तो जो है जो पूर्व मुख्य जो है आपके कोच थे, फील्डिंग कोच थे भारतीय टीम के। तो दोनों लोगों ने मिलकर लिखी है, सी ऑप्शन सही है। तो उन दिनों में जो भी घटित होता था भारतीय टीम में, जो भी अच्छी चीजें थी, तो दोनों मिलकर लिखा है, क्योंकि इनको फील्डिंग ही करना आता था और इनको पत्रकारिता आती थी, तो इन्होंने इन्हें बताया होगा और इन्होंने लिख दिया होगा, दोनों लोगों का नाम हो गया, ठीक है। तो दोनों करेक्ट ना, ऐसे हो गया। चर्चा में रहा पोखरा एयरपोर्ट किस देश में स्थित है, पोखरा एयरपोर्ट। अभी आप जानते हैं कि एटी एयरलाइंस का जो विमान था, एटी एयरलाइंस का विमान यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये पोखरा एयरपोर्ट कहाँ पे है आप बताइए। हाँ देखो, एक तो लिख रहा है बांग्लादेश में, शाबाश मेरे सिर, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। बांग्लादेश में नहीं बेटा, नेपाल में, नेपाल में बना है और चीन के सहयोग से बना है, चीन के सहयोग से बना है। 5 इसमें भारतीय भी शामिल थे, 5 भारतीय जो है लड़के भी शामिल थे इसमें, इस फ्लाइट में, और कुल 71 लोग थे, कुल 71 लोगों की मृत्यु हुई है जिसमें 5 भारतीय भी शामिल थे, करेक्ट है। हाँ हाँ 72 लोग थे, क्षमा करिएगा, एक और बढ़ाइए, 72 लोग थे जिसमें 5 भारतीय शामिल थे। 71st मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, नागालैंड भी आ जाएगा, 71st हाँ मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, जल्दी बताइए। आर बोनी ग्रेवरिया, ये कहां की है, अमेरिका की है, और इस प्रतियोगिता का आयोजन भी कहां पे किया गया, अमेरिका में ही किया गया, प्रतियोगिता आयोजन भी कहां पे किया गया, अमेरिका में ही किया गया। हरनाथ संधू भारत की तरफ से थी जिन्होंने इनको क्राउन पहनाया, क्योंकि ये नियम है कि जो पुरानी मिस यूनिवर्स होती है वो नई मिस यूनिवर्स को क्राउन पहनाती है और अपना अंतिम वॉकिंग करती है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर जो है मिस, हाँ 71 मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, आर बोनी गैब्रियल ने जीता, करेक्ट है। चलो, यह प्रतियोगिता अमेरिका में हुई, संस्करण 71वां था, ठीक है। हाँ, न्यू एयरलाइंस अमेरिका में हुआ, विजेता है अमेरिका की और जो है रनर अप रही, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस यहां तक याद करिए, यहां तक बस, ठीक है। अब मिस यूनिवर्स यहाँ पे देखा है आपने, तो मिस वर्ल्ड भी देख लीजिए, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड की जो विजेता है वो कौन है, कैरोलिना विलासकोवा, ये पोलैंड की है, ठीक है, ये सब आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ पोलैंड की है, रनर अप श्री सैनी रही भारतीय की, ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। आयोजन कहाँ किया गया था,
हाँ प्यूटोरिको में किया गया था, कोका कोला म्यूजिक हॉल में, भारत का प्रतिनिधित्व वाराणसी की मनसा ने किया, करेक्ट। ये दो आपको याद रखना है, ये पोलैंड ने किया, ठीक है। चलो, भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, भारत की तरफ से पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, सुष्मिता सेन है ना, सुष्मिता सेन याद है ना, पहली मिस यूनिवर्स थी भारत की तरफ से। चलो, जिनको आगे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम देने हो, ठीक है, हाँ वो ये सब जरूर याद रखेंगे। कलिंगा साहित्य फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया, इसका आयोजन आप लोग उत्तर दीजिए जल्दी से। कलिंगा साहित्य फेस्टिवल उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया, करेक्ट, हाँ उड़ीसा में किया गया, प्रत्येक वर्ष होता है, साहित्यिक महोत्सव है। उड़ीसा में भी कहां, अगर जगह पूछ ली जाए कि उड़ीसा में भी कहां, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में होता है, भुवनेश्वर। अच्छे से रिवाइज करते चलिए, आइए। हाल ही में चर्चा में रहा वर्धा, देखिए जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं उसको मत पढ़िएगा, बस आप इतना ही इसमें याद रखिए कि कलिंगा साहित्य फेस्टिवल उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ, बस इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो, हाल ही में चर्चा में रहा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए वर्धा वन्यजीव अभयारण्य, 17वां क्वेश्चन का उत्तर करिए, 17। हाँ ये गुजरात में है, गुजरात में भी कहां पे है, पोरबंदर के निकट, पोरबंदर के निकट है। क्यों चर्चा में रहा, जो गिर शेर है ना, गिर शेरों के लिए सर्वोत्तम स्थान के रूप में इसको चुना गया, उनके रहने के लिए अभी हाल ही में सर्वोत्तम स्थान के रूप में चुना गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, करेक्ट, हाँ। ये पोरबंदर के निकट है, पूरे गुजरात में जितने भी शेर हैं उसमें आधे से ज्यादा शेर कहाँ पे रहते हैं, गिर में रहते हैं, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात हो जाएगा, करेक्ट, सी वर्धा गुजरात। विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए, बताइए। एक पुरस्कार आप लोगों को बहुत जो है कंफ्यूज करता है, उसको आप समझ लीजिए, जैसे बुकर पुरस्कार 2022 है यहां पर, ठीक है, बताइए आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये कब की गई बताओ, ये की गई 1969 में, ठीक है, 1969 से चल रहा है, और ये मिला सेहान करुणा तिलका को, ये श्रीलंका की है, और इनको उपन्यास के लिए मिला, इनके उपन्यास का नाम क्या है बताइए, 7 Moods ऑफ माली अल्मेड़ा, ये इनके उपन्यास का नाम है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 दानिश सिद्दीकी को मिला, ये ठीक है, ये भी ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये इनको मिला, शरद कमल को, टेनिस खिलाड़ी है भारत के। यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला, ये कौन है बताओ, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, लास्ट वाला आपका गलत हो जाएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है, ठीक है। अगर यही लिखा हो बुकर पुरस्कार की जगह अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, मैंने वो प्रश्न भी अंदर लिया है, तो वो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है टॉम ऑफ सेंड रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो वो किसको मिला है बताओ, गीतांजलि श्री को मिला है, ठीक है, याद रहेगा, उसको भी मैंने आगे लिया है। तो मैगजीन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का जो पुरस्कार है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है, व्लादिमीर पुतिन को नहीं मिला, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, हाँ हाँ ठीक है। चलो, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है बताइए, बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है बताएं, हाँ हाँ, आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार, बिल्कुल, इन्होंने दो बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, आर्किटेक्ट फॉर द पीपल, आर्किटेक्ट फॉर द पीपल और कमला हाउस, ये दो इनकी पुस्तकें हैं, आर्किटेक्ट फॉर द पीपल और कमला हाउस। 2018 में इन्हें वास्तुकला का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है प्रीतिजिकर पुरस्कार, वो भी दिया गया था, तो प्रीतिजिकर पुरस्कार इनको कब मिला था, 2018 में, ठीक है, हाँ। तो ये वास्तुकारता है और जो है इनका आर्किटेक्ट थे, इनका
देहांत हो गया। सब इनके बारे में लिखा है, आर्किटेक्ट थे, इनकी दो पुस्तकें थी, सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ढेर सारा मिला है इनको सम्मान। आपको बस इतना याद रखना है, आर्किटेक्ट फॉर द पीपल और कमला हाउस इनकी दो पुस्तकें थी। ठीक है, चलिए ये इनको 2018 मिला है पृथ्वीराज आर्किटेक्ट पुरस्कार, प्रथम भारतीय हैं इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले। चलो, हाल ही में चर्चा में रहा तुरग्या उत्सव या मठ उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तुरग्या या मठ, ये तो बहुत सरल है, आपको तुरंत बताना चाहिए। बताए तुरग्या या मठ किसके द्वारा, जल्दी बताओ। अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट, जिन्होंने पढ़ा है उनको याद होगा। तवांग मठ, तवांग मठ में सेलिब्रेट किया जाता है, मोनपा जनजाति द्वारा, मोनपा जनजाति द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ से जुड़े विवाद की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? एमसी मैरीकॉम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। विवाद आपको पता ही है, कुछ लोग अनशन पर बैठ गए थे और उस कमेटी में योगेश्वर दत्त भी हैं, तृप्ति मुरगुंडे भी हैं और राधिका श्रीमन भी, ये सब तीनों उसके सदस्य हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैरीकॉम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, चलिए, हाँ, एमसी मैरीकॉम। चलिए, 90वां इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां किया गया? 90वां इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां किया गया, इंपोर्टेंट है प्रश्न, बताइए। दिल्ली में किया गया, इसका मुख्यालय कहां पे है, लियोन में है, फ्रांस। आतंकवाद जो है, तस्करी संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, 195 देश इसमें शामिल है। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आयोजन कहां पे किया गया बताइए, महासभा का आयोजन किया गया दिल्ली में, करेक्ट। भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ आपको 7-8 याद रखने हैं, जो भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित हुआ, 8वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में आयोजित हुआ, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, ये अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है जिनका आयोजन भारत में हुआ। ठीक है, ये गोवा में आयोजित हुई, 41वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इसकी थीम भी याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम थी। ठीक है, हाँ, चलिए, इसकी थीम थी। आगे देखें, 90वां इंटरपोल हम लोगों ने अभियान डिस्कस किया, दिल्ली में आयोजित हुआ, विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ, 3रा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। ठीक है, निम्नलिखित खेल पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मैंने पूरे पुरस्कारों को भी शामिल किया है, सम्मेलनों को भी शामिल किया है, लगभग कंप्लीट सेशन में सारी चीजों को मैंने शामिल किया है। निम्नलिखित खेल पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव 2020 के लिए पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी 20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहालिया मैग्रा, कैसे याद रखेंगे, मैग्रा ऑस्ट्रेलिया का था, ग्लेन मैग्रा, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की है, याद रखिएगा। ठीक है, ये पहली बार पुरस्कार दिया गया, सबसे पहली बार इमर्जिंग, पहली बार दिया गया। ठीक है, तो महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो किसको मिला, वो रेणुका सिंह को मिला, इसलिए ये गलत है, शेफाली वर्मा, ये पुरस्कार मिला रेणुका सिंह को। ठीक है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वेन स्टॉक को मिला, ये करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट है आपका। आइए, अब हम पुरुषों के 4 पुरस्कार तैयार कर लें और महिलाओं के 4 पुरस्कार जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को मिला, पाकिस्तान क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी बाबर आजम को मिला, 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मैनिस्टोक को। इमर्जिंग प्लेयर की बात की जाए तो मार्को जानसेन को मिला, जो साउथ अफ्रीका के है।
यहां पर 5 याद रखने और वहां पर 4 याद रखने, ठीक है। हाँ, ये 5 याद रखने और वहां पर 4, जिसमें 2 में कौन है, 2 में तो बाबर आजम ही है, सूर्य कुमार यादव टेस्ट में वेन स्टोक, और यहां पर किसको मिला, मार्को जॉनसन को। अब महिलाओं की बात करें तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर ओवरऑल मिला नटालिया सीवर को, ये इंग्लैंड की है, ठीक है। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भी नटालिया सीवर को मिला, तो वहां पे भी पहले 2 पर पाकिस्तान के बाबर आजम है और यहाँ पे नटालिया सीवर है 2 पे। आईसीसी 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर तहालिया मैग्रा को मिला, ऑस्ट्रेलिया की है, और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सिंह को मिला, भारत की है। सबसे इंपोर्टेंट आपके लिए ये है क्योंकि पहली बार है और ये भारत को मिला, महिलाओं में है, ठीक है। 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 4 चीजों में हमें याद रखना है और यहां से एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित जो है विकल्पों का चयन कीजिए। हिंदी के लिए बद्री नारायण जी को मिला है, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय जी को मिला है, ठीक है, संस्कृत के लिए जनार्दन प्रसाद पांडे जी को मिला है, ये भी सही है, उपरोक्त सभी शब्द है, ठीक है, सभी सही है, एक बार आप कर लीजिए ऑल। अब उर्दू के लिए भी मिला है, अब ये बोर्ड देख लीजिए और देखिए, हिंदी के लिए जो बद्री नारायण जी को मिला है तो इनकी कृति का नाम क्या है बताओ, इनकी कृति का नाम है तुमड़ी के शब्द, कविता संग्रह है, किताबें भी पूछी जाएंगी तुमड़ी के शब्द, ये हिंदी में भी आपके काम का है साहित्य अकादमी और करंट में भी आपके काम का है, क्योंकि हिंदी में भी पूछा जा सकता है और करंट में भी पूछा जा सकता है। अंग्रेजी में अनुराधा राय ऑल द लाइव्स बी नेवर, संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे को दीप माणिक्यम, इनकी कविता है दीप माणिक्यम, और उर्दू में अनीस अशफाक जी को मिला है ख्वाब शराब के लिए। 4 साहित्य अकादमी आपको जरूर याद रखने हैं ख्वाब शराब के लिए। हाँ करेक्ट है, क्या हाल चाल है, क्यों परेशान हो रहे हैं, सही चल रहा है ना, मजा आ रहा है ना, एकदम परेशान मत होइए, यहीं से बस यही हमें पढ़ना है और यहीं से हमें सफलता मिलेगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़िए, घंटे डेढ़ घंटे की बात है, 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा सब याद रहेगा एकदम आराम से। विभिन्न फिल्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। अब देखो फिल्म पुरस्कारों में जो मैं आपको बता रहा हूं वही आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लिखा है भैया, देखो 53 में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभिनेता चिरंजीवी को दिया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये आयोजन कहां पे हुआ, ठीक है, तो ये आयोजन हुआ पणजी गोवा में, और अंतरराष्ट्रीय फिल्म जो महोत्सव होता है इसमें एक फोकस देश होता है, तो इस बार का जो फोकस देश था वो फ्रांस था, फ्रांस फोकस देश। और एक अवार्ड आपको याद करना है जो लिखा है क्या, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभिनेता चिरंजीव को दिया गया, करेक्ट है। 2 चीजें याद रख लेंगे, पहली चीज क्या कि पणजी गोवा में आयोजन हुआ और फ्रांस इसमें फोकस देश था। दूसरा 68वां भारतीय फिल्म पुरस्कार, इसकी आपको भी लिस्ट देखनी है क्योंकि यहां से एक प्रश्न आपको हमेशा मिलेगा। 68वां भारतीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अजय देवगन को दिया गया, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुष्पा को दिया गया। क्या लिखा है, फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार पुष्पा को दिया गया, लेकिन यहां पे 2 कैटेगरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वो शेरशाह को मिला, शेरशाह को, ठीक है, 2 श्रेणी है यहां पर। अगर पूछा जाए क्या बताओ फिल्म ऑफ द ईयर, तो पुष्पा है, पुष्पा भाऊ याद आ गया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है। हाँ कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैंने बता दिया, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब ये लिस्ट हमें देखनी है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, भारतीय फिल्म पुरस्कारों की, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड सुरराई पोत्तू तमिल फिल्म में उसको मिला, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तुलसीदास जूनियर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन को तानाजी दानसांग वारियर, और सूर्या को सुरसाई पुत्रों के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पार्ट अपर्णा बाल मुरली को मिला सुरसाई पुत्रों के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सच्चिदानंद के आर एके अयप्पन कोश्यम, ठीक है याद रहेगा। हाँ चलो
आप देखो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कारों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म अनादर राउंड, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कौन सी है, जैसे मैंने आपको बताया शेरशाह, याद रहेगा शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, फिल्म ऑफ द ईयर ये दादा साहब फाल्के का है, वो राष्ट्रीय पुरस्कार थे, और सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म अनादर राउंड, तीन ही बस याद रखना है, एक ये दादा साहब फाल्के में, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक, और ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, और वहां पर याद रखना है आपको पणजी गोवा में आयोजित हुआ और फ्रांस फोकस देश था, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। चलो हड़प्पा सभ्यता के विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण कहां किया जा रहा है बता, हड़प्पा सभ्यता के विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय का निर्माण कहां किया जा रहा है, राखीगढ़ी में किया जा रहा है, राखीगढ़ी कहां पे है बताओ, हरियाणा, लोथल कहां पे है, गुजरात में, याद है, हड़प्पा कहां पे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, अगर नदी देखें तो ये भोगवा नदी के तट पे है, ये रावी नदी के तट पर है, और ये चंदोड़ो कहां है, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में पाकिस्तान के, याद रहेगा रावी के बाएं तट पर है, ये हरियाणा के हिसार का, ये गुजरात अहमदाबाद, सही क्या है, ए राखीगढ़ी, सही क्या हो जाएगा, ए राखीगढ़ी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है, जल्दी से बताइए, तड़तड़ा के उत्तर दीजिए इसका, एकदम तड़तड़ा के, कई बार मैं पर्च करा चुका हूं आपको, अब रिवीजन है, बताओ, लद्दाख, लद्दाख में हनले स्थित चांगथांग, चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य में, आपने एक नाम सुना ना तारे जमी पर, ये इतने ऊंचे स्थान पर बनाया जा रहा है कि जब उस पर आप देखेंगे, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, तो वहां पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चांद तारे सब जमी पर आ गए हैं, बहुत नजदीक आपको दिखेगा, ठीक है ना, चांगथांग लद्दाख, लद्दाख वैसे भी बहुत खूबसूरत है, जब आपकी शादी हो जाए तो एक बार घूम आइएगा साथ में, आइए अभी पढ़ाई लिखाई पे मन लगाइए। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार 2023 में होने वाली G20 बैठक के लिए अतिथि देशों की सूची में किस एकमात्र दक्षिण एशियाई देशों को शामिल किया गया, भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसके लिए भारत में 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, पहली शेरपा बैठक G20 के लिए, जो शेरपा की पहली बैठक है, उस पहली बैठक का आयोजन किया गया बताओ कहां पे, राजस्थान के उदयपुर में, उदयपुर, इन 200 बैठकों की पहली बैठक का आयोजन राजस्थान के उदयपुर में किया गया, ठीक है। एकमात्र दक्षिण एशियाई देश जो है वो बांग्लादेश है, अभी लखनऊ में भी आप चल रहा है, देखिए 3 दिन का 13, 14, 15 का भी लखनऊ में भी हुआ, उत्तर प्रदेश के भी 4 शहर इसमें शामिल है, लखनऊ को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक। चलो अब देखो कुछ आगामी बैठक सम्मेलन देख लो, 18वां G20 शिखर, जो G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पे है, भारत में, 19वां ब्राजील में, कोप 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2030 संयुक्त अरब अमीरात UAE में, ठीक है, UAE में, तेईसवां SCO शिखर सम्मेलन भारत में, अध्यक्ष भी भारत है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 ये जापान में, 42वां और 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 ये इंडोनेशिया में, याद रहेगा, याद रहेगा, दो स्लाइड है, G20 18वां भारत, 19वां ब्राजील, इसके बाद वाला ब्राजील में होगा, COP28 जो है संयुक्त अरब अमीरात UAE में होगा, पहली बार इसका जो है आयोजन UAE में, 23वां SCO भारत में, 49वां G7 जापान में, 42वां 43वां आसियान इंडोनेशिया में, 33वां नाटो लिथुआनियाई, 19वां जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो आपका सम्मेलन वो युगांडा में, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में, सबसे इंपोर्टेंट बेटा ये याद रखिएगा, देखो ये अगर भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, इतना कठिन नाम आए तो समझ लीजिएगा नाटो ही है ना, विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी, फिजी के नांडी में, फिजी के नांडी में,
करेक्ट है। इन सबको याद नहीं करना पड़ेगा, ये सब दो बार पढ़ लो याद हो जाएगा, ठीक है, ये सब याद कर लो दो बार याद हो जाएगा। जैसे वृक्ष है, अब वृक्ष दक्षिण अफ्रीका में होना है, वृक्ष ही देशों में होगा, हिंदी सम्मेलन फिजी नांडी में है, ठीक है, इसको कुछ याद करना नहीं है ना। युगांडा में कुछ होता नहीं तो युगांडा में नेम सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन 2023 है ना, युगांडा में डाल दिया उसको, ठीक। चलो अब भारत वाले अलग कर लो, जैसे 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है, भारत में 18वां G20 हो रहा है, ब्राजील में जो G20 जो उसके बाद वाला होगा, G20 दोनों इसलिए याद रखना जरूरी है कि इस बार भारत में हो रहा है तो अगली बार कहां हो रहा है ये आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद रख लीजिए। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में बड़े राज्यों में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया, बताइए, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया। तेलंगाना को, है ना, लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, यहां बहुत कंफ्यूजन, ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात आएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात आए, ध्यान से समझिए, ये आ सकता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की जब बात आए तो तेलंगाना होगा, सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात आए तो मध्य प्रदेश होगा, अगर आपसे छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार होगा, अगर आपसे पूछा जाए छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में तो अंडमान निकोबार होगा, ठीक है, अंडमान निकोबार छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। हाँ, और मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है वो क्या है बताओ, पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, याद है ना, प्रमाणित जिला, ठीक है। हाँ, ये सब मैंने आपको बता दिया। निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए, सैन्य अभ्यास पूछे जा रहे हैं इस बार, बताओ, अभ्यास वज्रप्रहार भारत और अमेरिका के बीच, अभ्यास बरोर भारत और फ्रांस के बीच, अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच, अभ्यास बोस्तोक भारत और जापान के बीच, जल्दी से बताओ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, डी, क्योंकि ये जापान के बीच में नहीं है, भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच में, डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक। हाँ डी, ये देखो बेटा वज्रप्रहार भारत और अमेरिका के बीच में है, आपको देखो अब करंट नहीं, आपको बस रिवाइज करना है यहीं से, भारत और अमेरिका के बीच में, अभ्यास बरोड़ भारत और फ्रांस के बीच में है, अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में है, हाँ बोस्तोक अभ्यास भारत रूस चीन, ठीक है, समुद्री अभ्यास 2022 भारत और जापान बंगाल की खाड़ी में नौसेना, सिलनेक्स नाम से ही क्लियर है भारत और श्रीलंका के बीच में, ईस्टर्न ब्रिज भारत और ओमान के बीच में, पिछले पेपर में आपसे पूछा भी गया है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में पड़ोसी है, नसीम अल बाय भारत और ओमान के बीच में, और काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में, ये भी नाम से ही क्लियर है, ठीक है, हाँ क्लियर। वर्ष 2023 जनवरी में आयोजित होने वाली आर्मी डे परेड का आयोजन कहाँ किया गया, देखो जब से ये परेड है बेटा, जब से ये परेड बनी है ना स्वतंत्रता के बाद, जब से इसका आयोजन हमेशा करियप्पा मैदान नई दिल्ली में किया जाता था, आर्मी डे परेड करियप्पा मैदान नई दिल्ली, हमेशा से पहली बार ये परेड दिल्ली से बाहर गई और इसका जो है कहाँ पे, बेंगलोर में आयोजन किया गया, इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई, बेंगलोर में किया गया इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, करेक्ट, बेंगलोर। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया, शहरी में, ग्रामीण का डिटेल ही नहीं है कहीं, शहरी में ही दिया गया, बताइए, एमपी नहीं यूपी, अपना उत्तर प्रदेश, यूपी को मिला, एमपी नहीं यूपी को मिला, करेक्ट, हाँ, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है,
ठीक है, सीधे याद रखिए। चलो, भारत की पहली सिलेंडर लॉरिस, आपके में ईबीएस इसलिए याद रखिएगा, भारत की पहली सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी की स्थापना कहां पे की गई? सिलेंडर लॉरिस क्या है? एक ट्री एनिमल है जो अपने जीवन का अधिकांश समय कहां निकालता है बताओ? पेड़ों पे निकालता है। ये ट्री एनिमल है सिलेंडर लॉरिस, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक ट्री एनिमल है। हाँ, पेड़ों पे निकाल देता है, ठीक। हाँ, इसका नाम हो जाएगा कड़ावर सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी, लॉरिस सेंचुरी। और ये कहां पे? तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, करेक्ट है, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में संपन्न आरोग्य मंथन 2022 में किस राज्य को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सब लोग बहुत ध्यान से इसको दीजिएगा, इसमें दो तीन श्रेणियां आपको याद रखनी है। हाल ही में संपन्न आरोग्य मंथन 2022 में किस राज्य को सर्वाधिक आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को इसमें 6 पुरस्कार मिले, 6 पुरस्कार, सबसे ज्यादा पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिले, 6 श्रेणियों में पुरस्कार मिला आंध्र प्रदेश को, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, अब इसमें दो तीन, मतलब 4-5 चीजें जो मैं बता रहा हूं आप उसको याद रखिएगा। आइए, शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य तो करेक्ट है आपको, आंध्र प्रदेश है, यहां कोई दिक्कत नहीं है आपको। शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो जिला है वो पार्वतीपुरम मान्यम है, वो भी आंध्र प्रदेश में है। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सरकारी सुविधा या सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल धारवाड़ कर्नाटक में है। ये तीन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है जो इस समग्र श्रेणी में मिले, इसको याद रखना है। कहीं कहीं सरकारी अस्पताल को सरकारी सुविधा भी लिखा गया है और कहीं कहीं सरकारी अस्पताल भी लिखा गया, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तीन याद है, हाँ ठीक है। चलो आगे देखो, अब यहां पर देखो, केरल को मिला है सर्वाधिक संख्या में मुख्य चिकित्सा जो उपलब्ध कराने में, ठीक है। हाँ, उत्तराखंड को मिला है आयुष्मान योजना के बेहतर संचालन के लिए, ठीक है। बस ये दो याद रखिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आइए, हाँ, चंडीगढ़ को जरूर याद रखिएगा, आयुष्मान योजना के तहत महिलाओं को अधिकतम उपचार प्रदान करने में, महिलाओं को अधिकतम उपचार प्रदान किसने किया? वो किया आपको चंडीगढ़ में। कितने हो गए? इतने कितने हो गए? 3 तो ये हो गए, चौथा आपको याद रखना है, सर्वाधिक संख्या में मुफ्त चिकित्सा केरल ने दी, आयुष्मान योजना को बेहतर संचालन किसने किया? उत्तराखंड ने किया, और आयुष्मान भारत के तहत महिलाओं को अधिकतम उपचार प्रदान किसने किया? चंडीगढ़ ने किया, और समग्र श्रेणी में सबसे ज्यादा पुरस्कार किसने पाए? आंध्र प्रदेश ने पाए 6, सबसे ज्यादा पुरस्कार आंध्र प्रदेश ने 6, ठीक है। चलिए, हाल ही में आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए। चलो, विश्व जल कांग्रेस 2022 कोपनहेगन डेनमार्क, ठीक है। 22वां एससीओ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पे आयोजित हुआ, बताइए। G7 शिखर सम्मेलन 2022 ये हुआ जर्मनी में, जर्मनी में आयोजित हुआ, करेक्ट। और जो बिम्स्टेक है ना, श्रीलंका में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ? ये श्रीलंका में हुआ, तो ये गलत है। ये जो आपसे पूछा गया है ना बेटा, ये जर्मनी में हुआ, विश्व आर्थिक मंच दाओस स्विट्जरलैंड, ये सही है। थी गलत, सी आपका सही नहीं है, सी आपका करेक्ट नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए, ये एक बार आप लिस्ट देख चुके हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बस। चलिए, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया? मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, वो जो पहले इसकी लिस्ट बनी थी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की, वही लिस्ट फिर से है। तो हाँ, तो किसको बताओ, किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया? पंकज त्रिपाठी जी को, है ना। इससे पहले बिहार स्टेट के स्टेट आइकन थे, बिहार स्टेट जनसामान्य का एक अभिनेता, मिट्टी से निकला हुआ व्यक्ति, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, याद है ना। चलो, मजा आ जाता होगा इनको देख के आपको।
वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम के तहत सभी उर्वरकों को किस ब्रांड से के नाम से बेचा जाएगा? वन नेशन वन फर्टिलाइजर लागू कर दिया गया है, किस ब्रांड से उसको बेचा जाएगा जल्दी से बताइए। बताएं, दिल्ली में आयोजित हुआ पीएम किसान सम्मेलन, वहीं पर भारत नाम से इस ब्रांड का नाम क्या रखा गया? भारत ब्रांड, है ना? हाँ, पूरे देश में एक ब्रांड के नाम से, भारत ब्रांड के नाम से इसका नाम रखा गया, ठीक है, ब्रांड वार से बचने के लिए और सब्सिडी के लिए। तो इसका सही उत्तर रहा भारत। इसी के साथ इसी जो है प्रधानमंत्री जी ने 600 किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन यहीं पर किया। किसान समृद्धि केंद्रों जो किसानों की समस्याओं को हल करेंगे, उनको बीज से लेकर प्रत्येक चीज के बारे में बताएंगे। तो इसी सम्मेलन में ये हुआ और इसी सम्मेलन में ये हुआ। तो किसने किसान समृद्धि केंद्र खोले गए? 600 किसान समृद्धि केंद्र खोले गए, ठीक है, 600 याद रखिएगा। आज से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन बताइए। ये इसकी थीम थी, डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विशेष भागीदार, ठीक है, इसकी थीम थी। और इसका आयोजन कहां पे किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। कहां पे किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। और मध्य प्रदेश के कहां पे किया गया? इंदौर में किया गया। हाँ, एक लोगों को देखो सुनाई दे रहा है कि बगल में डीजे बज रहा है। हाँ, बहुत बहुत कंसंट्रेट हो बेटा तुम, तुम्हें डीजे तो अब बहुत अच्छे से कंसंट्रेट रहो, नहीं तुम्हारा डीजे नहीं बजेगा, ठीक है ना। हाँ, देख लो यहाँ पे, ठीक है, 17वां संस्करण था, इंदौर में हुआ, ठीक है। अध्यक्षता जगदीप धनखड़ जी ने की और उपाध्यक्ष 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में सब कुछ बता दिया, ज्यादा नहीं, ठीक है, कब से कब तक मनाया जाता है ये सब हो गया, ठीक है, आई सब पता है ना। हाँ, गांधी जी आए थे तब मनाया जाता है, सब कुछ हमें पता है उनकी याद में, ठीक, आइए आपको भी पता है, इस बार का याद रखिए इंदौर में। हाल ही में चर्चा में रही बेडू बापू वेधशाला किस राज्य में स्थित है? इसने अपने 50 वर्ष पूरे किए 1972 दिसंबर में प्रोफेसर बापू द्वारा 40 इंच के टेलीस्कोप के रूप में इसका निर्माण किया गया था जर्मनी के सहयोग से, याद रखिएगा, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, जर्मनी के सहयोग से। हाँ, तो कहां पे बताओ? तमिलनाडु में, प्रोफेसर बापू द्वारा। इसको हम कहते हैं 40 इंच का टेलीस्कोप, 40 इंच का टेलीस्कोप 50 वर्ष पूरे किए। बहुत सारी जो है जो एस्ट्रो आपकी खोजें रही उनमें इसकी भागीदारी रही, ठीक है ना। हाँ, मैं आप सभी लोगों को चाय पर आमंत्रित करता हूं, आप मेरे साथ चाय पीजिए, आइए, करेक्ट है, चलो आगे बढ़े। अगला है आपका, अब देखो कहाँ कहाँ, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है लेकिन देखो कहाँ कहाँ योगदान दिया, छोटी सी चीज, यूरेनस के चारों ओर रिंग की उपस्थिति, बृहस्पति उपग्रह गैनीमेड के चारों ओर वातावरण की उपस्थिति का पता लगाने में, यूरेनस के नए उपग्रह की खोज में, कई भी स्टार्स की खोज में उनका अध्ययन करने में, विशाल तारों में लिथियम डिप्लीशन की खोज में, सब में उन्होंने योगदान दिया, मत पड़िएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तंदूर लाल चने को जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग की प्रक्रिया भारत में 2003 से प्रारंभ हुई, है ना, 2004 में दार्जिलिंग चाय ऐसा पहला उत्पाद था जिसको जीआई टैग दिया गया, 2004 में। 2010 में पहला व्यंजन कौन था? हैदराबादी हलीमी, जिसको जीआई टैग दिया गया, हैदराबादी हलीमी, ये सब याद है ना, ठीक है। अभी मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड भी हैदराबाद हलीम को मिला। जीआई टैग जो होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, वो 10 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष के लिए। अब आप ये बताइए, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध तंदूर को, जो आपका ये प्रश्न है, तंदूर लाल चने को मिला, तो ये तेलंगाना को मिला। किसको मिला? तेलंगाना को, ठीक। हाँ, थोड़ा सा याद रख लीजिए। असम में क्या क्या है? असमिया गमोचा, गमछा और तेजपुर लीची,
महाराष्ट्र में से क्या क्या है, अलीबाग की सफेद प्याज कोल्हापुरी चप्पल। केरल में क्या क्या है, कंथलूर बट्टावड़ा लहसुन ऊना टुकारा तिल। उत्तर प्रदेश में टेराकोटा महोबा का पान, काले चावल मणिपुर में जिसको चाखाओ कहते हैं, और सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तुर दाल कर्नाटक। याद रहेगा, बोलिए। यूपी टेट टीजीटी पीजीटी कृषि प्राप्तिक सहायक के नए बैच 27 फरवरी से आ रहे हैं, कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आप लोगों जिन लोगों को पढ़ना है सारे लाइव बैच है पढ़ लीजिए, ये रनिंग बैच है। पीसीएस बीओ आर ओ जिसमें बीओ आर ओ प्रीकम मेंस है, ये काउंसलर सदस्यों के नंबर है, बीच में जानकारी लगाई गई थी, आप सब लोग देख लीजिए, है ना। सबसे महत्वपूर्ण है 27 तारीख से नवीन बैच प्रारंभ हो रहे हैं 3, ठीक। हाँ, दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑपरेशन गंगा विदेश मंत्रालय का है, ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई का है। ऑपरेशन गंगा तो विदेश मंत्रालय का है ना, ये यूक्रेन में फंसे भारतीयों से संबंधित है, करेक्ट है ना। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई का है, मानव जो तस्करी को रोकने के लिए, पदार्थों की तस्करी को। ऑपरेशन प्रवाह ये रेलवे सुरक्षा का नहीं है, नहीं, रेलवे सुरक्षा के 3 है, मैं बता देता हूँ। ऑपरेशन प्रवाह जो है बेटा भैया, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, कोचीन एयरपोर्ट पर इसको किया गया, कोचीन एयरपोर्ट पर इसको किया गया, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए। ऑपरेशन प्रभा एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए है, अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए, विदेश मंत्रालय से बिल्कुल करेक्ट। ऑपरेशन प्रभा इससे संबंधित नहीं है, याद रहेगा। आरपीएफ द्वारा 3 है, सतर्क भी है और उपलब्ध भी है। अवैध तंबाकू तस्करी रोकने के लिए आरपीएफ ने क्या चलाया, सतर्क चलाया और उपलब्ध। टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए उन्होंने क्या चलाया बताइए, उपलब्ध चलाया। सतर्क और उपलब्ध, सतर्क और उपलब्ध रेलवे सुरक्षा के, करेक्ट, बाकी सब ठीक है। हाँ, सर्द हवा भी है, बिल्कुल ये सब लिखा है। देखो ऑपरेशन सतर्क रेलवे का है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा रेलवे का, ऑपरेशन उपलब्ध भी रेलवे का, ऑपरेशन गंगा विदेश मंत्रालय का, यूक्रेन वो जो मैंने बताया वही लिखा है, ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना का है, अपने आप को कोविड में बचाने के लिए, ठीक है। वंदे भारत विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, देवी शक्ति मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर विश्व विजेता बना। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में गोल्डन बूट किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया बताइए। गोल्डन बूट सबको याद होगा, फीफा से एक क्वेश्चन तो बनना है, सभी लोग जान रहे हैं, 100% बनेगा। आइए देख लेते हैं, फीफा फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, इसका मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। पहला फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में हुआ था, जिसे उरुग्वे ने जीता, उरुग्वे ने जीता था पहला फीफा विश्व कप, ठीक है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार जीता है, इस बार कुल 32 टीमें यहां पर हिस्सा लेने के लिए गई थी, उपविजेता फ्रांस रहा। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 1986 में भी जीता, 1978 में जीता, 1986 में जीता, और अब कब जीता बताओ, 2022 में जीता, तो ये तीसरा है। कप्तान जो थे बेसिकली फ्रांस के, वो ह्यूगो लॉरिस थे, और यहां पर लियोनेल मेसी थे, ठीक है। पहले 3-3 की बराबरी रही, पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से मामला चल गया। हाँ, एम्बापे का नाम अभी आप आगे सुनेंगे, ठीक है। एम्बापे का नाम आगे बस आप सुनने वाले हैं, आइए, ये करेक्ट हो गया। आप देखो गोल्डन जो बूट का अवार्ड मिला वो किसको मिला, किलियन एम्बापे को, फ्रांस के, इन्होंने 8 गोल किए। गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, ये अर्जेंटीना के हैं, और गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिली, ये 7-7। हाँ, 7 गोल इन्होंने किए मेसी ने। कुछ अच्छी चीजें जो इसमें आपको याद रखनी है, ठीक है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया, यूके भी लिखा होता है कहीं के, फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला, ठीक है। फीफा विश्व कप का आयोजन करने वाला कतर पहला अरब देश है, ठीक है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, टैगलाइन थी नाउ इज ऑल, और शुभंकर था लाइव, ये लाइव है, लाइव को कहते हैं विशेष गुण और योग्यता वाला खिलाड़ी। हाँ, विशेष गुण और योग्यता वाला खिलाड़ी, इसको क्या कहते हैं बताइए, लाइव कहते हैं।
कहां तुम लोगों को डीजे सुनाई दे रहा है? भारत का प्रथम लोकायुक्त विधेयक पारित। अच्छा, आपके यहां बज रहा है क्या डीजे? आप जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे डीजे बज रहा है क्या? मुझे लग रहा है यहां बज रहा है। कहां बज रहा है डीजे बताइए? चलिए आइए, क्या लिखा है? भारत का प्रथम लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके बाद मंत्रिमंडल और बाकी सभी सदस्य भी लोकायुक्त के दायरे में आ गए। महाराष्ट्र ने एक अच्छी पहल की। महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, आपके यहां बज रहा है तब से हम कंफ्यूज थे कि हमारे यहां कहां बज रहा है। आइए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे सख्त ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय शामिल है बताएं? भारत की निर्मला सीतारमण जी लगातार चौथी बार इसमें शामिल है, लगातार चौथी बार इसमें शामिल है, वित्त मंत्री जी। ठीक है, हाँ, कितनी है बताओ? भारत की तरफ से 6 है बेटा। कौन कौन? तो पहला प्रथम स्थान किसका है? यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उनका पहला स्थान है, उर्सुला वान डेर लेयन। द्वितीय स्थान क्रिस्टिना लेगार्ड का है ना। देखो आप क्या करिए, बस इसको याद रखिए, प्रथम स्थान पर किसका है, बस आप इसको भी याद मत रखिए, इसको भी याद मत रखिए ना, ये आएगा, मैं काट दे रहा हूं। ठीक है, पहला याद रखिए, करेक्ट। इसके बाद भारत की तरफ से देखो 5 लोग तो ये हैं, रोशनी नादर मल्होत्रा, ये SCL टेक की चेयरपर्सन है, माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है, सोमा मोंडल सेल की चेयरपर्सन है, किरण मजूमदार शाह 72वें स्थान निवासी, तो 5 ए हैं। और इससे पहले कौन है? निर्मला सीतारमण जी है, तो टोटल कितनी होगी? 6 होगी, टोटल 6। इन 5 में सबसे ऊपर कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, और इस सूची में इनका स्थान 36वां है, 36 पे आपकी वित्त मंत्री महोदय। तो टोटल कितनी होगी भारत की तरफ से? टोटल होगी भारत की तरफ से 6। ठीक है, 5 ये है, छठवीं वो है, और इसके अलावा आपको याद रखना है बस पहला स्थान। चलिए, बस 2022-23 में आयोजित प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलनों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल कर देंगे, बताइए आप प्रवर्तक पूछिए, भाई बहन लोग सब कर देंगे। बताओ, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हुबली कर्नाटक में किया गया। भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया, बताइए कौन सा गलत है? सभी सत्य है, सभी सत्य है, करेक्ट है ना। चलो, हाँ, राष्ट्रीय युवा उत्सव हुबली कर्नाटक में, 10वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नई दिल्ली में, सरस अजीब का मेला भी नई दिल्ली में, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन वाराणसी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और वाराणसी में भी हुआ है, और गति शक्ति इस समय उनका टॉप प्रोजेक्ट है ना। पहले गति शक्ति जो है उसका निर्माण कहां पे किया जा रहा है? आसनसोल मंडल में, याद आ रहा है? पहले गति शक्ति केंद्र का निर्माण कहां किया जा रहा है? आसनसोल मंडल। ठीक है, 21वां भारतीय रोड कांग्रेस लखनऊ, 8वां भारत अंतरराष्ट्रीय MSME सम्मेलन नई दिल्ली, 22वां भारत रंग महोत्सव मुंबई, सुरक्षा मंथन जोधपुर, और पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली। 150 करोड़ की जनसंख्या का देश है, करंट बहुत छोटा कैसे होगा, है ना? कब तक चलेगी क्या क्लास? जब तक आप हमें देखते रहे। ठीक है, आइए, भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली, 39वां मुख्य न्यायाधीश नई दिल्ली, सेमिकॉन इंडिया बेंगलुरु। भारत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत की प्रथम कचरे से हाइड्रोजन परियोजना कहां पर? कचरे से हाइड्रोजन वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट है, वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट के तहत कहां पर बताओ?
पुणे, ठीक है। अब यही पे मैं पूछ लू, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, तो क्या उत्तर दोगे? शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, संयंत्र स्थान का नाम जहां पर 99.99% शुद्ध हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, कहां पर जल्दी बताओ? यह हुआ बेटा असम, और असम के किस स्थान पर? जोरहाट। आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है? कचरे से हाइड्रोजन है, ये कचरे से हाइड्रोजन है, और ये क्या है? शुद्ध हरित हाइड्रोजन है। अंतर समझ रहे हो दोनों में? ये शुद्ध हरित हाइड्रोजन है, ठीक है ना, जोरहाट असम। चलो ठीक है, चलो। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता, जल्दी से बताइए? सौराष्ट्र ने जीता, किसको हराकर? महाराष्ट्र को हराकर। महाराष्ट्र को हराकर किसने जीता? सौराष्ट्र ने, मतलब उपविजेता महाराष्ट्र है, ठीक है। एक और ट्रॉफी आपकी होती है, बताओ, सैयद मुश्ताक अली, तो मुंबई ने जीती सैयद मुश्ताक अली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई ने। किसको हराकर जीती? बोलो, हिमाचल प्रदेश को हराकर। यहां पर उपविजेता कौन रहा बताओ? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पटोला साड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताओ? पटोला साड़ी बताएं, सोलंकी राजवंश का नाम सुना है? सोलंकी राजवंश के जो शासक थे कुमारपाल, उनके वंश के 900 कारीगर आज भी गुजरात में ये निर्माण करते हैं पटोला साड़ी का। प्रधानमंत्री जी अभी गए थे, जो है G20 जो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, हाँ तो इटली की प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलोनी, मेलोनी, उनको पटोला साड़ी लेके गए थे, उनको पटोला साड़ी लेके गए थे, उनको गिफ्ट किया था, ठीक है। हाँ, अब बेटा ये साड़ी भी पहनी जाती है, गाने में सुनते नहीं हो? पटोला वाला एक गाना है, याद आया? कौन सा गाना है पटोला वाला, बताओ जल्दी से। हाँ, बाली में गए थे, साड़ी वाड़ी दे के आते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी भी भौंका लिए, हल्के में मत लेना, गिफ्ट बड़े काम का ले जाते हैं वो, ऐसे वैसे नहीं है, बहुत सोच समझ के ले जाते हैं। आइए, हाँ ये देखो, ये साड़ी ले गए थे वो, अब यही वाली ले गए थे कि नहीं ये नहीं पता, ये पटोला है, ठीक है, और ये जो है उन्होंने मुलाकात की तो ये दे दी, ठीक। आइए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जल्दी बताओ? संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन, हाँ सरमल शेख मिस्र में किया गया, कहाँ पे किया गया? मिस्र, और ये कौन सा था? 27वां। 28वां कहाँ होगा? यूएई में। इसके बाद का कहाँ पे होगा? यूएई में। इसके बाद का यूएई में, करेक्ट, हाँ सरमल शेख मिस्र, इसके बाद का यूएई में होगा, और इससे पहले वाला 26वां कहाँ हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ये था 26वां, ये था 27वां, और ये होगा 28वां, करेक्ट। हाँ चलो, हाँ ये वही चीज है, सब मतलब उतना ही याद रखना है। वर्ष 2022 में शुरू किया गया वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? देखो, वर्ष 2022 में चार पांच नए दिवस शुरू हुए हैं, जिनमें से एक का आना तय है ना, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस मनाया जाता है, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो पुराने थे हमारे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, और जितने नए दिवस हैं उनको याद कर लो, ये नए दिवस हैं जो इस बार शुरू हुए हैं 2022 में, इन सबको याद रख लो। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ये तो करेक्ट है आपके लिए। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस,
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ईबीएस भी दे रहे हैं, ठीक है। 14 अप्रैल को समानता दिवस तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित किया गया, 15 मार्च को इस्लामोफोबिया दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस करेक्ट है। चलो लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 2 से 5 नवंबर 2022 तक किन राज्यों की यात्रा पर थी? वो तीनों की यात्रा पर थी। मिजोरम के आइजोल में उन्होंने IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया, ताकि वहां के बच्चे भी मीडिया की पढ़ाई करके उस क्षेत्र को, हाँ, उस क्षेत्र को दिखा सके, उस क्षेत्र में अच्छा कर सके। तो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने यात्रा की थी तीनों राज्यों की, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, आरबीआई ने नवंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कौन सी आभासी मुद्रा को लॉन्च किया? 9 बैंक इसमें शामिल है, डिजिटल रूपी, क्रिप्टो करेंसी की तरह है, 9 बैंक इसमें शामिल है। अभी शुरुआत में ये जरूर याद रखिएगा कितने बैंकों के बैंक शामिल हैं, 9 बैंक इसमें शामिल हैं। आपका है कि हमें नहीं पता, 9 बैंक शामिल हैं, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, UDI, HDFC, ICICI, कोटक, एस, IDFC फर्स्ट और HSBC, 9 बैंक है, ठीक है। अब आप करोड़ों रुपए मोबाइल में लेके भूल लीजिए, कोई कोई पूछने वाला नहीं हो, मोबाइल में ले लिए एक आध करोड़ रुपए टहलिए, पायलट प्रोजेक्ट है, समझ रहे हैं। पहले नोट बंद, अब नोट की जरूरत ही नहीं है, अब इसी से काम चलाइए, ठीक है। एक चीज जरूर याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत। पहले मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसको केंद्रीय कार्यालय को मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारत की सरकार के स्वामित्व में इसको ले लिया गया, ठीक है। गवर्नर वगैरह ये सब क्लियर है, ठीक है। चलो, भारत का पहला कोयले से मेथनॉल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ? कोयला से मेथनॉल, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। हाँ, देखो, ये है जो ना, ये देश का पहला बांस गांव है, अच्छे से नोट करो, देश का पहला बांस गांव, ठीक बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। मेलेलंग में जो मेघालय है ना, एक क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया है, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसका उत्तर होगा तेलंगाना, हैदराबाद। कोप्पाल कर्नाटक में अभी टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है, टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है यहाँ पर कोप्पाल कर्नाटक में, ठीक है। पहला MSME प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? MSME प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहला ये शुरू किया जा रहा है पुदुचेरी में, ये भी याद रखिएगा, पुदुचेरी में, क्लियर है। हाँ, पुदुचेरी में। और बांसों की खेती को बढ़ाने के लिए जो प्रोजेक्ट बोल्ड आया था, बांसों की खेती से संबंधित था ना प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ पे आया था बांसों की खेती को बढ़ाने के लिए? तो प्रोजेक्ट बोल्ड आया था, ये भी बेटा आपको याद रखना, राजस्थान में आया था, है ना, प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान में आया था, करेक्ट, याद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के भवन को राष्ट्र को समर्पित किया? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहां पे बनाया जा रहा है, जल्दी बताओ। हाँ, तो गुजरात के गांधीनगर में, इसमें ज्यादा हमें समय नहीं लेना है, जहां पर कम समय लेना है वहां पर कम समय लेंगे, ठीक, गुजरात। हाँ, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, कौन सा? खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ में, करेक्ट है। चलो, हाँ,
बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम जो है, जो 2016 में देश का पहला कृषि जैविक राज्य था, याद है ना? देश का पहला जैविक राज्य कौन घोषित हुआ था? बोलो, सिक्किम। और अगर पूछा जाए कि पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन था, तो कौन कहोगे? लक्षद्वीप। अगर पूछा जाए कि जैविक, पहला जैविक, मैं लिख दूं, पहला जैविक, आराम से पढ़ो बेटा, रोज रोज तो क्लास होती नहीं, पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था भैया, तो आप क्या कहेंगे? लक्षद्वीप, याद रहेगा। चलो, अब आपसे पूछा गया है कि कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका केरल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, हम लोगों का बताइए? केरल हो जाएगा, ठीक है? चलो, केरला, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण प्राप्त करने वालों में शामिल नहीं है 2023? बताइए, अभी पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। टोटल देखिए, आपको कुल याद रखना है, कुल कितने हैं बताओ? 106 टोटल, हमेशा याद रखिए। पद्म विभूषण के ही नाम पूछे जाते हैं, 6, 9 और 91। ये पद्म विभूषण है, भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा, ये पद्म भूषण है तीसरा सबसे बड़ा, और 91 पद्म श्री है। कुल कितने मिले? 106 मिले। ये ब्रेकअप जरूर याद रखिएगा, है ना? चलो, देवेंद्र झांझरिया इसमें शामिल नहीं है, देवेंद्र झांझरिया इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो 6 लोग हैं, इन्हीं 6 लोगों में से एक आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इन 6 लोगों का नाम याद रखना है। कौन कौन है ये 6? श्री बालकृष्ण दोषी है, गुजरात मरणोपरांत मिला है। जाकिर हुसैन है, कला महाराष्ट्र में। श्री कृष्णा सार्वजनिक मामले में, कर्नाटक में। टोटल 106 है, मैं बता दिया आपको। श्री दिलीप महाल नोविस, चिकित्सा पश्चिम बंगाल। श्री श्री निवास वर्धन, विज्ञान और इंजीनियरिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका। और श्री मुलायम सिंह यादव, सार्वजनिक मामलों में, उत्तर प्रदेश। नेताजी धरती पुत्र है ना, धरती पुत्र नेताजी, करेक्ट। तो टोटल कितने लोगों को मिला? 6 लोगों को, यही हमें याद रखना है। और 106 टोटल है, जिसमें से 6 को पद्म विभूषण। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? चलो, ये तो टेनिस से संबंधित है, भारत रत्न हो गए आपको पता होगा। और ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी से दोनों लोग थे। समापन ओपनिंग सेरेमनी में, आप लोग नाम लिखिए जल्दी से, ओपनिंग सेरेमनी में कौन था ध्वजवाहक? तो पीवी संधू और मनप्रीत सिंह, याद रहेगा, ये ओपनिंग में थे। पीवी संधू और मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान थे। हाँ, मनप्रीत सिंह हॉकी से, और पीवी संधू कहां से बताओ? ये बैडमिंटन से। चल, 57 क्रिकेट। कॉमनवेल्थ गेम, अब ये बताओ, कॉमनवेल्थ में कुल सदस्य देशों की संख्या इस समय कितनी है? 56 हो गए हैं कॉमनवेल्थ में, क्योंकि इस बार महारानी जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ में कुल देश कितने हैं? 56। कौन कौन से लास्ट दो अभी बने? तो एक गैबोन है, याद आ रहा है ना, और दूसरा टोगो। गैबोन और टोगो, ये 55 में और 56 में है, याद हो जाएगा। चलो, आप देखो, बर्मिंघम में आयोजन हुआ, शुभंकर था, पेरी द बुल, ये तो क्लियर हो गया। हाँ, और अब 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो 23वां जो संस्करण है वो कहां पे है बताओ? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, ये भी याद रहेगा। चलो, अब इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे भारत। भारत को कुल 61 पदक मिले। भारत का टोटल ब्रेकअप याद रखिएगा, 22, 16, 23, टोटल 61। 22, 16, 23 टोटल कितने हो गए? 61 हो गए, ठीक है। चौथे स्थान पर रहा। चलो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया? दो जगह जिला मिले हैं, आंध्र प्रदेश के जगमोहन रेड्डी ने 13 थे और 13 नए किए, टोटल कितने हो गए? 26। और पश्चिम बंगाल में 23 थे
ममता बनर्जी ने 7 नए बनाए, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 30। लेकिन पूछा गया है 13 नए जिले, तो आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी नए जिले बने हैं और पश्चिम बंगाल में भी बने, इस प्रश्न के हिसाब से ये सही है, प्रश्न के हिसाब से ये सही है, करेक्ट। लोग जितने भी मिले नफरतों में गुम मिले, फिर हुआ एक मोजज़ा हमें अचानक तुम मिले। मोजज़ा का मतलब होता है चमत्कार, क्या होता है चमत्कार, है ना। चलो, किस हिंदी कवि को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। 3 सम्मान आपको याद रखने हैं, सरस्वती, व्यास, है ना, 3 सम्मान याद रखने हैं आपको, सरस्वती, व्यास और ज्ञानपीठ को आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाँ, सरस्वती, व्यास और ज्ञानपीठ, ठीक है। तो किसको मिला, तो ये रामदर्श मिश्रा को मिला, रामदर्श मिश्रा को मिला, किसको मिला, रामदर्श मिश्रा को सरस्वती सम्मान। मैं तो यहां हूं, क्या नाम है इनके उपन्यास का, मैं तो यहां हूं। मुझे लगता है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो आपका यहां से एक क्वेश्चन उसको जरूर देना चाहिए, इस स्लाइड से जरूर एक क्वेश्चन देना चाहिए। 31वां सरस्वती सम्मान रामदर्श मिश्र को मिला, कविता संग्रह का नाम क्या है, मैं तो यहां हूं, ठीक है। इससे पहले डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला था, याद रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ये करंट है, ये याद रखना है, ठीक। चलो अब आगे देखो, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को मिला, यह पुरस्कार प्रदान किया कि कोंकणी उपन्यासकार है, तो ये आपको 57वां याद रखना है, ठीक है। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला, महाबली नाटक जो कि 2019 में प्रदान, 31वां व्यास सम्मान भैया याद रखना है, अजगर बजाहत, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है दामोदर माउजो, और इससे पहले आपको ये याद रखना है रामदर्श मिश्रा, ठीक है, ठीक है। हाँ, डेनमार्क का प्रधानमंत्री किसे चुना गया, बताए, डेनमार्क का प्रधानमंत्री किसे चुना गया। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं छोटी, थोड़ी सी है, और राष्ट्रीय नियुक्तियां दोनों याद रखना है। हाँ, मेटे फ्रेडरिक्सन, बी ऑप्शन सही होगा, मेटे फ्रेडरिक्सन को चुना गया, ठीक है, मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है। आप सभी रवि तिवारी, रवि पी तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, रवि पी तिवारी ऑफिशियल, वो निःशुल्क शिक्षा के लिए है, आपको पूरी रीजनिंग फ्री में पढ़नी हो किसी भी एग्जाम के लिए, किसी को भी बता दीजिए, इस चैनल पे जाके पढ़ ले, 60 वीडियो पढ़े हैं, और करंट अफेयर्स की भी बहुत सारी सामग्री वहां पे आपको निशुल्क रहती है, ठीक है। रवि पी तिवारी ऑफिशियल, क्लास के बाद उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और फेसबुक पे भी इस नाम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा। आओ, इसका सही उत्तर क्या है बताओ, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां कासिम जोमार्ट टोकायब राष्ट्रपति। देखो, जितने राष्ट्रपति बने हैं पढ़ने की जरूरत नहीं, और जितने प्रधानमंत्री बने हैं हमने एक जगह कर दिए हैं, अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। जितनी अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां 2022-23 की हैं वो एक जगह है, प्रधानमंत्री जो है वो भी एक जगह है, और प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां भी एक जगह है, जैसे डॉक्टर सी वी आनंद वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मनोज पांडे जी जो है सेना अध्यक्ष बने, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, भारती दास लेखा महानिदेशक है, आर वेंकट जो रमानी है वो महान्यायवादी है, अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब मुख्य न्यायाधीश हैं 50वें, पीटी उषा अध्यक्ष हैं पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की, अंजिता सरल कमल उपाध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक संघ की, सब एक जगह कर दिया, बस पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय भी एक जगह है और अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां भी एक जगह है, बार बार पेज नहीं पलटना है, एक जगह पढ़ लीजिए। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, कहाँ स्थित है, कोचीन हवाई अड्डा। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन, और कोविड के समय में शानदार प्रबंधन के लिए, कोचीन हवाई अड्डे को क्या मिला है, कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है, कोविड चैंपियन पुरस्कार। ये पुरस्कार किस आयोजन में मिला, विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया था, विंग्स इंडिया में सबसे अच्छे एयरपोर्ट और एयरस्पोर्ट्स मतलब एरोलॉजी से जुड़ी जो चीजें उनको अवार्ड दिया गया, तो विंग्स इंडिया में कोविड में शानदार जो है प्रबंधन करने के लिए
कोविड चैंपियन पुरस्कार मिला है कोचीन को। इसका भी उत्तर कोचीन है और कोविड चैंपियन का भी उत्तर कोचीन है, क्योंकि यहां पर कोचीन एयरपोर्ट ने ना मिशन सेफगार्ड करके एक प्रोग्राम चलाया था, मिशन सेफगार्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए। इसी प्रोग्राम के सफल क्रियान्वयन के लिए इन्हें मिला। और विंग्स इंडिया में ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल समग्र श्रेणी में जो पुरस्कार मिला है वो बेंगलुरु हवाई अड्डे को मिला है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का नाम क्या है? कैंपागोड़ा हवाई अड्डा। कैंपागोड़ा साहब जो थे, कैंपागोड़ा साहब को बेंगलुरु शहर का संस्थापक कहा जाता है। बेंगलुरु शहर का संस्थापक उनको माना जाता है, कैंपागोड़ा साहब। ठीक है, तो समग्र ग्रेड श्रेणी में जो पुरस्कार मिला ओवरऑल वो किसको मिला बताओ? वो बेंगलुरु को मिला, कैंपागोड़ा हवाई अड्डा। ठीक है, कैंपागोड़ा साहब को, अभी प्रधानमंत्री जी ने इनकी मूर्ति का भी शिलान्यास किया गया था, और कैंपागोड़ा साहब को क्या माना जाता है? बेंगलुरु शहर का संस्थापक माना जाता है। भारत एवं जापान के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव कीजिए, बताइए। न्यू मैत्री, जिमैक्स, सहयोग काइजन, धर्मागार्जियन, बताओ। डी वाला है ना, धर्मागार्जियन। भारत अमेरिका के नीचे, ये भी भारत व जापान के बीच। सरल प्रश्न था। ड्रोन पायलटों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया? ये देखो, इससे जुड़ी तीन राज्य हैं और तीन चीजें हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हरियाणा है। अगर आपसे पूछा जाए पहला ड्रोन स्कूल पूछा गया कहां पे? मध्य प्रदेश में। प्रशिक्षण संस्थान तो वो हरियाणा में। और ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन था बताओ? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य। तीन अलग अलग चीजें हैं, करेक्ट है, याद रहेगा। हरियाणा कौन है? प्रशिक्षण संस्थान। पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश, और ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तीनों याद रखना है। ठीक, आइए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक 9 अप्रैल 2022 को किस बाघ अभ्यारण्य में आयोजित की गई? जब से NTCA बना है उसकी बैठक हमेशा दिल्ली में होती थी। पहली बार ये बैठक दिल्ली से बाहर हुई, पक्के बाघ अभ्यारण्य में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, ठीक है, चलो। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अब देखो वहां पर अगर केवल बुकर प्राइज अगर रहे तो श्रीलंका, जो वहां पे बताया था, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, तो गीतांजलि सीरीज है ना, टॉम ऑफ सेंड, हाँ, डॉजी रॉकबेल द्वारा अनुवादित इनकी पुस्तक है, जो 2018 में आई थी। उनकी पुस्तक का नाम था रेस समाधि। बेसिकली एक महिला की कहानी है विभाजन के समय की, 80 से 90 वर्षीय महिला की, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की निवासी है। गीतांजलि श्री को मिला है। यह पहली ऐसी भारतीय भाषा की कोई भी, या पहली ऐसी अनुवादित पुस्तक है भारतीय भाषा की जिनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, रेत समाधि, करेक्ट, यही है। चलिए, कम से कम कुछ अच्छा तो हुआ। हमारे यहां भी अच्छे लिखने वाले हैं, ग्रैंड सलूट है, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा राज्य देश का प्रथम हर घर जल प्रमाणित राज्य है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये आने चाहिए आपको, इसलिए मैं बार बार करा रहा हूं आपको, बताओ। गोवा। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये राज्य हो गया। अगर मैं पूछ लू आपसे केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, हर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्या उत्तर करोगे, जल्दी बताओ? दमन दीप, दादर नागर हवेली। अगर इसी प्रश्न में ये लिख दिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? दमन दीप, दादर नागर हवेली, करेक्ट।
एक और है बेटा देखो, जो हमने आपको बताया था, प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश, ये एक ही है पूरे देश में। हाँ, ये कौन है प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश? ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार, इसमें तीन चीजें होती हैं। इनके यहां हर घर जल तो पहुंच ही गया है, साथ में ODF घोषित है, साथ में ODF प्लस घोषित है। ये तीनों अगर हो गए तो आपको प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश कहा जाएगा। इन तीनों के बारे में जान लो क्या है। हर घर जल तो आप जान ही रहे हैं, जल जीवन मिशन 2024 तक हमें हर घर जल पहुंचाना है। अभी हमने बताया था 2019 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा हुई थी। ODF खुले में शौच मुक्त, ODF प्लस खुले में शौच मुक्त हो और गांव में एक सामुदायिक शौचालय भी हो, ये तीनों ही अगर श्रेणी पूरी है तो प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश बन जाएंगे। और ऐसा प्रदेश एकमात्र भारत में अंडमान निकोबार, ठीक है, करेक्ट है, ऐसा प्रदेश एकमात्र भारत में अंडमान निकोबार। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का परीक्षण किया जो दो ट्रेनों को टकराने से बचा सकती है। इस तकनीक का नाम क्या है बताओ? दो ट्रेनों से टकराने से जो तकनीक बचाती है इसका नाम क्या है? कवच। क्या है? कवच। हाँ, सिग्नल से दो ट्रेन अगर आसपास आती है तो उनको टकराव को रोक देती है, कवच तकनीक, ठीक है। हाँ चलो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन प्रदर्शन में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य कौन सा है? शीर्ष प्राप्तकर्ता, इस मिशन की स्थापना 21 फरवरी 2016 को हुई थी, 21 फरवरी 2016 को हुई थी। तेलंगाना शीर्ष है, सबसे ऊपर तेलंगाना है, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे नीचे कौन है तो सबसे निचला स्थान है इसमें पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल सबसे निचला स्थान, नीचे सबसे नीचे तेलंगाना प्रथम स्थान पर है, करेक्ट, बंगाल नीचे। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने की घोषणा करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? नवीनतम 105वां सदस्य, उत्तर करो। ये 2021 क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? 20 तक पूछा गया, हम तो 22 ही पढ़ा रहे हैं। अभी टीजीटी पीजीटी में 2020 भी पूछ लिया गया है, आप तो 21 के चक्कर में पड़े हो। जिन लोगों ने टीजीटी पीजीटी का पेपर दिया है ना, उनसे पूछिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन हमने टीजीटी पीजीटी के पेपर के हिसाब से रखे हैं। 20 पूछ लिया है, हम तो 22 ही पढ़ा रहे हैं बेटा। नेपाल कौन होगा? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, हाँ नेपाल। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तीन आपको नोबेल याद रखने हैं, साहित्य का, अर्थशास्त्र का और चिकित्सा का। साहित्य का, अर्थशास्त्र का और चिकित्सा का, अगली स्लाइड में तीनों आपको दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये तो पहला है, ठीक है, और ये कहां पे? फ्रांसीसी लेख, फ्रांसीसी। चलो ये देखो, साहित्य का एनी एरनाक्स को, चिकित्सा का स्वंते पावे स्वीडन से है, और शांति का एलेस बलियात्स्की मानवाधिकार अधिवक्ता है बेलारूस के, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को भी मिला है, और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को भी मिला है, ठीक है। ये तीन जरूर याद रखिएगा, ऊपर वाली जो श्रेणी में तीनों लिखे हैं, तीन को जरूर याद रखिएगा, बाकी भौतिक रसायन और अर्थशास्त्र आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। बैडमिंटन में स्विस ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी संधू ने, पीवी संधू ने इस वर्ष दो खिताब जीते, एक तो स्विस ओपन 2022 जीता और साथ ही साथ सैयद मोदी भी जीता, सैयद मोदी इंटरनेशनल भी जीता है ना, सैयद मोदी इंटरनेशनल भी जीता। पीवी संधू
इस वर्ष के दो खिताब हैं उनके, ठीक है। चलो, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? इक्वाडोर। ये सब फैक्चुअल है, इनमें ज्यादा आपको नहीं कुछ करना है, इक्वाडोर। तो हम जल्दी जल्दी करते चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इक्वाडोर बना, ठीक है। चक्रवात मेंडूस का नामकरण किस देश ने किया? मेंडूस एकदम मतलब मेंडूस ही टाइप है, यूएई, यूएई, ठीक है। कौन सा चक्रवात कहां पे आया है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके शाब्दिक अर्थ भी मैंने बताए हैं, मेंडूस खजाने का बॉक्स, ठीक है, सितरंग सांप की कुंडलियां, ठीक है। हाँ, नामकरण इसका यूएई ने किया, इसका थाईलैंड ने किया। प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र वैसे पूछा नहीं जाता, या तो ये पूछा जाता है या तो शाब्दिक अर्थ, ठीक है। आसमान, ठीक है, अम्फान का मतलब क्या है? आसमान, ठीक है। थाईलैंड ने नामकरण किया। नाना मडोल जापान से संबंधित है, नाना मडोल कहां पे आया? जापान में आया। हाँ, आसनी का मतलब होता है क्रोध, श्रीलंका ने नामकरण किया। और गुलाब का मतलब बारहमासी फूल के पौधे के संदर्भ में पाकिस्तान ने नामकरण किया। जवाद का मतलब होता है उदार, सऊदी अरब द्वारा। तोकते, एक तेज आवाज निकालने वाली छिपकली, म्यांमार द्वारा। यास का मतलब होता है घोर निराशा, ओमान द्वारा। बुरेवी का मतलब है ब्लैक मैंग्रोव, मालदीव द्वारा। निसर्ग का मतलब है प्रकृति, बांग्लादेश द्वारा। यही आए हैं पिछले दो वर्षों में प्रमुख, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा भैया, बस दो वर्ष में यही प्रमुख आए, ठीक है। CHSL के लिए नहीं, कोई भी करंट है तो वहां के लिए सही है, करंट कहीं भी आपको देना हो उसके लिए पर्याप्त है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों के लिए आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और उनके लाभों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित परिसर का उद्घाटन किया। नए परिसर का नाम क्या है? 6.5 एकड़ लगभग में फैला है, इसका नाम है आरोग्य वनम। ये योग मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति की तस्वीर है, योग मुद्रा में बैठे हुए एक व्यक्ति की तस्वीर है, ठीक है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी थे। और 1 मार्च 2022 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये 1 मार्च 2022 उल्टे आ रहे हैं ना हम लोग, जनवरी तक आके हम लोग रुक जाएंगे, मार्च पर आ गए हम लोग, ठीक है। आरोग्य वनम। बाघ गणना रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ? तीसरा स्थान महाराष्ट्र, बताइए। तीसरा स्थान उत्तराखंड का है, 442 के साथ तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, और महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है 312 के साथ, 312 के साथ महाराष्ट्र चौथे स्थान पर है, उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, करेक्ट है। हाँ, तेंदुआ भी देख लीजिए, इसका मतलब सी सही नहीं है, तेंदुआ भी देख लीजिए। भारत में तेंदुओं की, अच्छा एक यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, बाघों की संख्या को दुगना करने के मामले में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, PTR जिसको आप कहते हैं यूपी में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसको TX2 × 2 बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार मिला। इसके बाद ये पुरस्कार मिला सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, ये कहां पे है? तमिलनाडु। तो लेटेस्ट में किसको मिला? लेटेस्ट में तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला, इसके बाद किसी को नहीं मिला, ठीक है ना। ये दो चीजें जरूर याद रखिएगा। आइए, तेंदुओं में मध्य प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है, फिर कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलो, तमिलनाडु चौथे स्थान पर है, ठीक है ना, तमिलनाडु चौथे स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर और तमिलनाडु चौथे स्थान पर। उत्तर प्रदेश में तो 316 है, ये गलत लिखा है, तो चौथे स्थान पर बेटा तमिलनाडु है, करेक्ट कर लीजिए उसको, तमिलनाडु, ठीक है। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? यूएस ओपन देखो, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, क्रम में इसका पूछा जाता है, ऑफ व्यू, ये हर वर्ष 4 होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन, इन चारों का क्रम भी आपसे पूछा जाता है।
ये चारों बिल्कुल क्रम से होते हैं, कोड याद रख लीजिए इसके लिए ऑफ व्यू, ठीक है। यूएस ओपन आपसे पूछा जा रहा है, तो यूएस ओपन में ये विजेता है आपकी, ठीक है। हाँ, ईगा स्वीटेक जो है वो आपकी विजेता है, पोलैंड की है, पोलैंड, और ये उपविजेता है आपकी, उपविजेता है, क्लियर। कौन से जबूर आपकी उपविजेता है, ये ट्यूनिशिया की है, ट्यूनिशिया, ठीक है। हमने ये सारे देखो दे दिए हैं चारों के, एक बार आप देख लीजिएगा, सब दे दिया आपने, विजेता उपविजेता महिला और पुरुष का एक बार देख लीजिएगा। हाल ही में किस रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया, कोंकण रेलवे ने। रेलवे का लक्ष्य 2023 तक 100% विद्युतीकरण, मतलब इस साल के अंत तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रेलवे का, ठीक है। और रेलवे के लक्ष्य क्या है, कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य कब तक का है बताओ रेलवे का, दो हजार तीस तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, ये दोनों लक्ष्य जरूर याद रखिएगा, कोंकण रेलवे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फ्रंटियर 2022 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय शहर विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है, बताइए, दूसरा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। दो हजार 47 में तो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है ऊर्जा स्वतंत्र होने का, ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य है 2047 पर, वो तो एक अलग चीज है। शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रेलवे का वो 2030 का है, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, और 2023 तक पूरा विद्युतीकरण का लक्ष्य, चलो। हाँ, मुरादाबाद गाजियाबाद नहीं, बात से कंफ्यूज मत होइए, मुरादाबाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषण ढाका में है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहले नंबर पर है और विश्व में मुरादाबाद दूसरे नंबर पर, ठीक है, मुरादाबाद दूसरे नंबर पर। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 अप्रैल 2022 को किसे प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री जी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भारत को कितने आर्द्रभूमि, भारत के कितने आर्द्रभूमि स्थलों को जुलाई 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया, पांच, कितने को, पांच को, कौन कौन से और कहां है ये देख लीजिए, दिख रहा है। अब ये सब तो आपको पता ही होगा, 1971 में ईरान के शहर में रामसर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। हाँ, वर्तमान में विश्व भर में रामसर साइट की संख्या 2465 है, ठीक है। भारत में कितनी है, 75 है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, सुंदरबन कोलकाता, जहां सुंदरी के वृक्षों की अधिकता है। भारत का रामसर स्थल कौन सा है, रेणुका आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है 14, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में 10, दिख रहा है। सबसे बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जीएस में और पर्यावरण के हिसाब से भी डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब जो 2022 में घोषित है वो देख लो। हाँ, खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात 2022, वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2022, करिकली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022 और पल्लीकरनई मास रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 2022 और पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु 2022, ठीक है। ये पांच लेटेस्ट है, ये सब आपको आता होगा, बस वो पांच याद रखिएगा जो लेटेस्ट है। विभिन्न खेलों के आयोजन से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत का चयन कीजिए, बताइए, ठीक है। विभिन्न खेलों के आयोजन से संबंधित नीचे दिए गए विकल्पों में गलत का चयन कीजिए। 13वां आईसीसी क्रिकेट पुरुष विश्व कप, खट से बताइए क्या होगा, भारत में होगा, बिल्कुल, इसको जीतना भी है। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया, 20वां एशियाई खेल दोहा 2026 दोहा कतर और 23वां राष्ट्रमंडल खेल बताओ कहां पे होगा, एट्टी वन,
20वां एशियाई खेल कहां पे होगा? बोले गोरखपुर में नहीं होगा यार, कौन कह रहा गोरख, 20वें एशियाई खेल होंगे नागोया जापान में, नागोया जापान, करेक्ट है, ये आपका गलत है, सी ऑप्शन। हाँ ठीक, चलो ये सब मैंने बनवा दिया है। देखो जो आने वाली प्रतियोगिता है, विश्व कप पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 या भारत में है, फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया में है, अभी पुरुष हुआ है, अब महिला वाला कहां पे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 हंगरी में है, विश्व कप पुरुष टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, अमेरिका क्रिकेट तो नहीं खेलता लेकिन आयोजन करा रहा है, 33वां ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेल पेरिस में, 23वां राष्ट्रमंडल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, अभी मैंने आपको राष्ट्रमंडल में भी बताया, 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 में इटली में, 20वें एशियाई खेल यही उसमें गलत था 2026 में नागोया जापान में, अगला जो फुटबॉल विश्व कप है पुरुष फीफा वो कहां पे होगा संयुक्त रूप से, यूएसओ मेक्सिको और कनाडा, इस बार कहां हुआ, दोहा में, अगली बार कहां होगा, ये होगा, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप, इस बार हम लोग हार गए, अब 4 साल बाद बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, और 16वां महिला हॉकी विश्व कप 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, करेक्ट। उस राज्य का नाम बताइए जो कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए समग्र ऊर्जा, समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान रखता है, तो अभी तक कर्नाटक प्रथम स्थान पर था, अब कौन प्रथम स्थान पर है ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ, तमिलनाडु, हर चीज में गुजरात नहीं होगा, अक्षय ऊर्जा गुजरात में कहां से आ जाएगी यार, तमिलनाडु होगा, आप लोग भी प्रचंड तुक्का मार रहे हैं। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां खोला जाएगा नारी सशक्तिकरण के लिए, बताइए, पहला पहला हैदराबाद में, हैदराबाद करेक्ट। चलो वीडियो को सब लोग लाइक जरूर कर दीजिए। नई दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक राजपथ का बदला हुआ नाम क्या था, कर्तव्य पथ, कई बार हो चुका है, 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए थे तो क्या कहा गया था, किंग्स वे, फिर 1953 में क्या हो गया था, राजपथ, और अब क्या हो गया, कर्तव्य पथ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को देश को समर्पित किया, ये कहां पे है, पंजाब में, अब यहां पे एक अच्छी जानकारी दे रहा हूं, पंजाब के मोहाली में, मोहाली का आधिकारिक नाम जो है वो क्या है, अजीत सिंह नगर, यह आपको डिस्टर्ब कर सकता है, याद रखिएगा, अजीत सिंह नगर ये मोहाली का आधिकारिक नाम है। जय कुमार यादव, मैंने आपकी वजह से डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बंद कर दिया, तो डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत क्या, करंट अफेयर्स कोई विषय थोड़ी ना है, करंट अफेयर्स को जबरदस्ती विषय बना दिया गया है, करंट अफेयर्स तो ऐसे ही पढ़ना है, महीने में 2 वीडियो कर लीजिए, रट लो कर लीजिए करंट अफेयर्स पूरा। हाँ डेली क्या, आपको कभी भी रटलो मिलेगा, मैं हर महीने में 1 से 2 रटलो देता हूं, महीना कवर हो जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है ना, चलो। हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉस रोमस होर्टाज को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, पूर्वी तिमोर, ये राष्ट्रपति भी चुने गए और इनको इससे पहले जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आइए, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला अमृत सरोवर बनाया गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रामपुर, रामपुर के पटवाई में, आजादी के अमृत महोत्सव में प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बन रहे हैं, तो ये कहां पे, उत्तर प्रदेश रामपुर, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा, पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा, मनमोहन जी अगर मुझे सुन रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा अंदर आ जाएं, बताएं पीले फूल की, अभी आप लोग जाइएगा ना, आपके लिए बहुत जबरदस्त मैसेज है,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस देश की यात्रा के दौरान पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा बताओ? मैत्री रखा, बताओ। नीदरलैंड। भारत और नीदरलैंड अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे। ठीक है, हाँ 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, करेक्ट। मनमोहन जी मुझे सुनना हो तो अंदर आ जाए। 75वीं वर्षगांठ मना रहे थे, किले 20 सही है। कोई सुन रहा है मुझे, ऑफिस में अंदर आ जाए। दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया बताइए? दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जल्दी बताएं। कितने नार्डिक देश हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। सैमसंग वाला मोबाइल दीजिए जरा से जल्दी। हाँ, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन और नॉर्वे। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, ये तो नार्डिक देश है। ठीक है, अब पूछा गया है दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे हुआ? डेनमार्क में हुआ। 5 नार्डिक देश है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? डेनमार्क में हुआ, करेक्ट है। चलो ये देखो, कोपनहेगन में, डेनमार्क के कोपनहेगन। ठीक है, दूसरा सम्मिलित देश कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। अब भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, करेक्ट है, याद रहेगा। हाँ, आपके पेपर से जुड़ी बहुत जरूरी सूचना मुझे आपको एक देनी है, जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग पेपर देने जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, और जो है मैं वो काम आपको बता रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। आप सभी सदस्यों को मैं एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ, 78, ये मेरे पास रहता है, 7800696230। आपके पेपर में जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आपको इस नंबर पे अपने नाम के साथ मुझे भेज देना है, जिससे कि आगे आने वाले आपके भाई बहनों का फायदा हो, है ना। मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुकूं, उन तरह के क्वेश्चंस की एनालिसिस कर सकूं। तो आप में से जिनके पेपर पहले हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका जो नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आपको वो क्वेश्चन जिम्मेदारी से भेजने हैं। मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूं कि वो क्वेश्चन आपको जिम्मेदारी से भेजने हैं, जिससे हम लोग एनालिसिस करा सके इन क्वेश्चंस की, करेक्ट है ना। हाँ, जिनका जैसे जैसे होता जाए उस दिन के क्वेश्चन आप हमको शेयर करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कहां पे थे हम लोग? ये हो गया, डेनमार्क में हुआ था, कोपनहेगन में। चलो फिर से एक बार नंबर का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसी नंबर पे आपको भेजना है। महाराष्ट्र के किस शहर में पहला दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के किस शहर में पहला दिव्यांग पार्क बनाया जाएगा? ये नागपुर में बनाया जाएगा। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया? सभी प्रारूपों में 100 मैच हो गए, बोलो। विराट कोहली जी, ठीक है, बड़ा खिलाड़ी है विराट कोहली। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? मोटे अनाजों से संचालित भारत की पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना बिहार में की गई, करेक्ट है, पढ़ाया भी मैंने आपको। ड्रोन पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, ये भी मैंने पढ़ाया। देव सहाय पिल्लई पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं, बिल्कुल, ये जो है तमिलनाडु के हैं, ये तमिलनाडु के हैं, और इनको ये दर्जा कहां पे प्राप्त हुआ? वेटिकन सिटी में, वेटिकन सिटी। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ये गलत है। मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, आप लोग भी याद रखिएगा, तमिलनाडु है।
नाश्ता देने वाला पहला राज्य कौन है बताओ? तमिलनाडु है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे विभिन्न योजनाओं गतिविधियों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? भारतीय कपास परिषद का गठन केंद्रीय वस्त्र वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया, सही है। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई, ये भी ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र, बहुत इंपोर्टेंट है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया, ये ठीक है। भारत के पहले भू पार्क की स्थापना राखीगढ़ी हरियाणा के द्वारा में की जा रही, ये गलत है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क है जिसको आप भू पार्क कहते हैं, वो कहां पे है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है ना, मध्य प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। कोशिश की गई पूरे वर्ष को कवर करने की, ठीक है, और लगभग हम लोगों ने एक वर्ष को कवर किया, ठीक है। ये बेटा हम कुछ चीजें आपको बता दें, ये नए बैच है जो 27 फरवरी से टेक ऑफ होने वाले हैं, 27 फरवरी से इनकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, कुछ नए बैच हैं ये, है ना, लाइव कक्षाएं, तो आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। यूपी टेट का महत्व आप इस बार समझ ही रहे हैं, टीजीटी पीजीटी ये सारे लाइव कोर्सेज हैं, और कृषि प्राथमिक सहायक ये रनिंग बैच है जिसमें बीओ और आरओ एआरओ जो है वो क्या है आपका, प्री कम मेंस का है, प्री प्लस मेंस का बैच है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है, बाकी ये रनिंग बैच है। अगर आपको पुराने बैच चाहिए तो आप इसमें, बिल्कुल नए चाहिए तो आपका वो है, ठीक है। हाँ, ये सारे बैच है और ये काउंसलर सदस्यों के नंबर है जहां से आप प्रवेश ले सकते हैं। ईश्वर करे, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि कल महाशिवरात्रि है, आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ईश्वर करे आप पेपर में बहुत अच्छा करें। मैंने जो नंबर शेयर किया है उस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को जरूर भेजें, और इतना अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके प्रश्न बाहर नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो अच्छे से आप अपने रात पढ़िए, और ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर खूब करिएगा ताकि सभी बच्चों का फायदा हो। टारगेट बतालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट समर्पित है हमेशा आप सभी लोगों के लिए, आगे भी हम इसी तरह की मेहनत करते रहेंगे। कल शाम को 4 बजे आपका कंप्यूटर का मैराथन है राजकुमार सर के साथ और सौरभ सर के साथ, उस मैराथन में जरूर जुड़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार। वैसे मैंने कोशिश की है कि सब कुछ सही रहे, कोई त्रुटि ना हो, फिर भी अगर हो गई होगी तो परेशान मत होइएगा, एक कमेंट जरूर डालिएगा सेशन खत्म होने के बाद कि सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।